दो। चलिए स्टार्ट करें। क्या है आज का टॉपिक? प्रोपगेशन, प्रवर्धन। सब कॉपी किताब बंद कर दो, इसकी जरूरत है ही नहीं अपने को। 10-15 दिन की क्लास है जनरल, आराम से सुनो। चेतन आज क्लास में नहीं था, क्यों? ज्यादा रात को पढ़ रहे हो तो भी नंबर आते हैं 50 क्वेश्चन ही। ज्यादा पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होते हैं, ध्यान रखना। कम पढ़े, इंजॉय करके पढ़ो। कम पढ़ोगे पागल, तभी तो कुछ लड़के लॉन्ग ईयर में रहोगे, पूरी साल कोचिंग करेंगे। नहीं, पूरी नहीं पढ़ना है। चले शुरू करें आज की कहानी, प्रोपगेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? अब ये मेरे को हवा चाहिए, नहीं ये हवा बंद कैसे करूं? चल रहने दे, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में? अब कुछ बोलेगा नहीं, प्रवर्धन। ध्यान से सुनते रहो। प्र का मतलब क्या होता है? प्र का मतलब क्या है? पहले। सबको आवाज आ रही है आप लोगों को? इधर भी देख लेता हूं, ठीक है। नरेंद्र तू दिमाग लगाया, 1 से 2 पे ये कैसे आ गए रे? 3 पे किया हुआ है? खुद हो जाते होंगे कभी कभी, कहीं हिल ना जाए इधर। चले प्र का मतलब क्या है? पहले। और वर्धन का मतलब क्या होता है? गुणज। वर्धन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। कोई भी प्लांट हो, इससे क्या होगा? गुणज होंगे। एक प्लांट है, देखो ये 3, 4, 5 ऐसे प्लांट बन रहे हैं। किससे बन रहा है? ये पहले वाले प्लांट का ही क्या हो रहा है? गुणज। तो ये क्या कहलाएगा? ये वाले भाग, यही कहलाता है क्या? प्रवर्धन। क्या कहलाएगा ये? प्रवर्धन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। क्या कहलाएगा ये? मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बताओ? पहले वाले प्लांट का क्या हो रहा है? गुणज हो रहा है। इसे हम बोलेंगे प्रोपगेशन। बातें नहीं रहे, अब हम समझते हैं प्रोपगेशन जो होता है ये कितने तरह के पढ़ेंगे। तो प्रोपगेशन कितने तरह के पढ़ोगे? 2 तरह के। कौन कौन? एक को कहते हैं लैंगिक। क्या बोलते हैं? और इसका इंग्लिश में क्या बोलते हो? सेक्सुअल। और दूसरा हो गया अलैंगिक। दूसरे का नाम क्या है? अलैंगिक, जिसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल। क्या बोलोगे इसको? देखो तो दोनों में शब्दों में क्या डिफरेंस है जरा ये समझ लेते हैं। सेक्सुअल का मतलब इसमें क्या होगा बताओ? सेक्स होंगे। सेक्स अकेला तो कोई प्लांट करेगा नहीं, सेक्स होने के लिए 2 ऑर्गन की जरूरत है, 2 अंग की जरूरत पड़ेंगे। और 2 अंग कौन है? नर प्लस मादा। तो इसमें क्या है? एसेक्सुअल, यानी कि इसमें सेक्स नहीं। तो इसमें अकेला एक अंग काफी है। इसमें अंग कितने चाहिए? 1। ऐसे लिख सकते हो, या तो नर, या तो क्या लिख सकते हैं? या तो मादा। तो इसमें से कोई एक अंग से ही क्या होगा? नए प्लांट के निर्माण हो सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल। पहले बेसिक डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि आपके पिछले साल ना एकदम बेसिक प्रश्न आए हुए हैं। देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हम लोग किसके उदाहरण है बताओ, सेक्सुअल के, तो जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे क्या आते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है बताओ, विविधता। क्या आते हैं, विविधता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में कि जो बीज के द्वारा लगाया जाता है प्लांट, उसमें सारे प्लांट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्या होगा यहां, और यहां पे वेरिएशन नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाएगा बताओ, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं पाए जाएंगे, ये डिफरेंस है। जैसे और हम समझते हैं, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा इसमें क्या बनेगा, गैमेट्स। किसका निर्माण होगा बताओ, गैमेट्स, यानी कि होगा गैमेट्स, युग्मक का निर्माण, और इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होते हैं। और अगर गैमेट्स बनेगा तो गैमेट्स बनने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर की, किसकी जरूरत पड़ेगा, तो पूछ लेगा क्रॉसिंग ओवर किसमें होते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें होते हैं, सेक्सुअल। अच्छा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये माइटोसिस में होता है या मियोसिस में, ये सब प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं। मियोसिस में, जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। देखो जब भी गैमेट्स बनता है, मेंडल का यही नियम है, प्यूरिटी का नियम, तो ये बोलता है कि अगर सपोज दैट हम इंसान कितने हैं, 46, क्रोमोजोम कितना है, 46, जब हम में गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेगा, तो गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, आधा, क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, आधा। तो ये किस क्रिया के द्वारा आधा होते हैं, तो ये होते हैं मियोसिस के द्वारा, जिसका नाम क्या है, देखो अर्धसूत्री विभाजन। तो आपको पूछेगा कि बताओ क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, तो आप क्या बोलोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट पकड़ना, ये युग्मक किसमें बनते हैं, तो युग्मक बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस किसमें होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इधर मियोसिस नहीं होगा, इधर क्या होगा बताओ, माइटोसिस, क्या होगा, क्योंकि इधर तना से ही हम प्लांट बनाएंगे, जड़ को काट करके प्लांट बनाएंगे, पत्तियों को काट करके प्लांट बनाओगे, तो इधर सेम टू सेम क्रोमोजोम रहेंगे, तो वो किस क्रिया के द्वारा, माइटोसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। कौन सी विभाजन, तो आपके प्रश्न क्या थे जरा बताओ, पूछा गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिमेरिट क्या है, क्या है डिमेरिट, तो डिमेरिट दो है, क्या क्या है डिमेरिट बताओ भाई, बाकी तो मेरिट है, ठीक है, डिमेरिट्स क्या है, तो डिमेरिट्स है पहला विविधता, क्या है बताओ, विविधता, कि भाई जो बीज के द्वारा आप लगाओगे प्लांट, किसके द्वारा लगाओगे, बीजों के द्वारा, वो सारे जो होते हैं उसमें पाया जाएगा क्या, वेरिएशन। हर एक प्लांट आपको अलग अलग दिखेंगे, एक ऐसा दिखेगा तो दूसरा प्लांट ऐसा दिखेगा, तीसरा कैसा दिखेगा, इस तरह के दिखेंगे, सब प्लांट में क्या पाया जाएगा, वेरिएशन। हम लोग किसके उदाहरण है बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोग एक जैसे हैं नहीं है, हम में क्या पाया जाता है बताओ, वेरिएशन, यानी कि विविधता। क्या हम लोगों में गैमेट्स बनता है, देखे हो गुड़िया गैमेट्स उमेट्स, आप लोग, तू लोग गैमेट्स नहीं देखी होगे, अंदर की मामला है, वो कब बनते हैं कब बिगड़ते हैं पता नहीं, ये चंडाल लोग देखता होगा गैमेट्स, इनके गैमेट्स बनते रहते हैं। तो ये वेरिएशन, तो वेरिएशन किसके कारण आते हैं बताओ, युग्मक के कारण, किसके कारण, युग्मक जो मिलते हैं, तो वो बायो का चैप्टर होगा, उधर छोड़ दो। अच्छा, दूसरा क्या है, जो बीज के द्वारा, सीड के द्वारा फलों में करते हैं ना प्रवर्धन, इसमें समय ज्यादा लगेगा या कम, समय क्या लग जाते हैं, ज्यादा। जैसे एक आम के गुठली लगाओ, तो आम के गुठली से 8 से 9 साल लग जाएंगे उसको फल बनने में, क्या बनने में, तो इतने दिन तक लोग इंतजार नहीं करते हैं, बताओ समय क्या लगेगा इसमें, ज्यादा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समय क्या लगेगा, ज्यादा। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हम करते हैं उसमें रूट स्टॉक सियोन मिलाते हैं, तो प्रतिरोध रूट स्टॉक लगा देते हैं, प्रतिरोध सियोन लगा दोगे, तो पूछेगा कीटों के प्रति या बीमारी के प्रति, कीट और बीमारी के प्रति ज्यादा संवेदनशील कौन होता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम ये पॉइंट समझते तो हो, संवेदनशील, संवेदनशील, नए बच्चे नहीं समझते होंगे, जिसको बोलते हैं सेंसेटिव,
सेंसिटिव, और दूसरा पॉइंट क्या होता है बताओ, प्रतिरोध, क्या होते हैं प्रतिरोध, और एक होता है पॉइंट सहनशील, क्या होता है सहनशील, इसे क्या बोलते हो टॉलरेंस, टॉलरेंस, ये क्या होता है रेसिस्टेंट, ये रेसिस्टेंस। देखो बीमारी की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें बीमारी लगेगा जल्दी, ऐसे याद रखना है। संवेदनशील बोलूं तो क्या समझोगे, बीमारी क्या लगेगा जल्दी, फास्ट। कोई प्लांट को बोले कि पपीता जो है पाला के लिए सेंसिटिव है तो क्या समझोगे, पपीता को डर लगता है किससे, पाला से, पाला जैसे आएगा पपीता बोलेगा मेरा खत्म कहानी, तो उसको क्या बोलेंगे सेंसिटिव। अच्छा टॉलरेंस का मतलब होता है सहना, जैसे कोई लड़का होता है कि गर्मी नहीं सहते हैं, थोड़ी सी गर्मी लगा तो बोलेगा अरे सर बहुत गर्मी है, तो डार्विन के अनुसार ऐसे व्यक्ति ना विलुप्त हो जाएंगे, उनकी कोई कहानी नहीं है, जिंदगी में खत्म है ये। कुछ लड़का होगा एकदम सहेगा अंतिम तक, और मजदूर लोग जो होते हैं बेचारा धूप में जो काम करते हैं वो क्या होते हैं गर्मियों के प्रति बताओ, प्रतिरोध। हमारे पापा और खेतों में काम करते हैं वो क्या है प्रतिरोध, क्या है उनको धूप नहीं लगता है बेचारा। हम लोग अभी कैसा है बताओ, टॉलरेंस, सहते हैं, ज्यादा नहीं सह पाते हैं सहते हैं। लड़की लोग धूप के प्रति क्या है संवेदनशील, देख तो बाहर निकलेगी तो एक्टिवा उक्टिवा मुंह ढक लेगी, हाथ उथ ढक लेगी, तो ये क्या है संवेदनशील। लड़का क्या है बताओ टॉलरेंस, और पिताजी हमारे क्या है, समझ में आई कुछ बातें। सेम ऐसा ही बीमारियों के प्रति चलेंगे तो बहुत अच्छा, एक ARS का प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने, क्या है पूछा हुआ कि बताओ बायोटिक और एबायोटिक, समझते हो शब्द, बायोटिक क्या है बताओ जैविक, और क्या है अजैविक, जैविक और अजैविक कारक के प्रति, जैविक का मतलब इसको एबायोटिक और इसको क्या बोलते हैं बायोटिक, जिसमें जीवन है, तो जीवन किसमें है कवक में जीवन है और बैक्टीरिया में जीवन है, वायरस को दोनों में रख सकते हो, निमेटोड रख लो आप, प्लेटी हेलमेंथिस रख लो, एसके हेलमेंथिस रख लो, प्रोटोजुआ रख लो, ये सब सारे काउज करते हैं बीमारी। क्या काउज करते हैं, और ये काउज क्या करता है बताओ एबायोटिक वाले, ये काउज करते हैं डिसऑर्डर, क्या काउज करते हैं, जैसे जिसमें जीवन नहीं है, जैसे ताप हो गया आर्द्रता हो गया, तो ये सब तापमान आर्द्रता हवा पानी ये सब क्या होते हैं pH, इन सब की बात करें ये एबायोटिक है, क्या है। तो पूछा गया है जैविक और अजैविक घटक के प्रति संवेदनशील कौन होता है, संवेदनशील बताओ सेक्सुअल या एसेक्सुअल कौन होगा बताओ, जरा दिमाग लगाओ, कौन सा प्रोपगेशन, यानी कि कोई एक प्लांट तो बीज के द्वारा लगाया गया है और एक प्लांट क्या है ग्राफ्टिंग प्लांट है जो हम खेत में लगाएं, सबसे ज्यादा कीट और बीमारी किस पे लगते हैं, एसेक्सुअल में या सेक्सुअल में, सेक्सुअल में, किस में लगते हैं, क्योंकि इसको तो रेसिस्टेंट से बनाया जाता है। एसेक्सुअल का मतलब ही क्या है, ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है बताओ, ऐसा प्लांट बनाएंगे जिसके रूट स्टॉक, उसका पहला नियम ही है हमें ऐसा रूट स्टॉक चयन करना है जो बीमारी और कीटों के प्रति क्या हो प्रतिरोध हो, तो भाई पहले ही हम ऐसा चयन कर रहे हैं तो उसमें बीमारी लगेगा नहीं लगेंगे ना, तो ये क्या होते हैं ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो ये बेसिक बेसिक जो पॉइंट है ना आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होते हैं बेसिक पॉइंट, तो पीछे वाले सारे पॉइंट समझ गए। अब हमने बोला एक रिवीजन आपको जल्दी जल्दी करा देता हूं 5 मिनट में, क्या क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रजनन किसके द्वारा होगा बताओ, बीज के द्वारा, किसके द्वारा होगा बीजों के द्वारा, इसमें कितने अंग चाहिए दो अंग, उसमें कितना चाहिए केवल एक अंग चाहिए, इसमें वेरिएशन होगा उसमें वेरिएशन नहीं होंगे। अगर बोला जाए क्लोन का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है, तो क्लोन देखते हो ना मूवी में एक ही जैसा होता है, तो किससे होंगे बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, किससे होगा एसेक्सुअल। युग्मक किसमें बनते हैं सेक्सुअल में, क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा सेक्सुअल में, मियोसिस किसमें होते हैं सेक्सुअल में, इधर क्या होगा बताओ माइटोसिस, क्या होगा माइटोसिस। इसका डिमेरिट क्या है कि इसमें वेरिएशन पाया जाएगा,
दूसरा क्या है, इसके जो बीज से फलन में, बीज से किस में फलन होने में समय क्या लग जाएंगे, ज्यादा किस में से, अगर बीजों के द्वारा गुठली के द्वारा हम करेंगे तो, और कीटों और बीमारी के प्रति क्या होते हैं संवेदनशील, क्या होते हैं संवेदनशील। तो ये कहानी आपको समझ में आया, संवेदनशील का मतलब क्या बताया, लड़की को याद रखना है, टॉलरेंस कौन है, लड़का है, और पिताजी क्या है प्रतिरोध, पिताजी क्या है प्रतिरोध, ये बता दिया। चलो अब हम बात करेंगे जो मेजर इसका एग्जाम्पल है, अपने बुक में क्या लिखा हुआ है बताओ, सीड के द्वारा किस किस का प्रवर्धन होता है, यही आएगा प्रश्न। तो कौन आते हैं अपने एग्जाम में, कौन आएगा पपीता, कौन आएगा दूसरा, कौन आएगा फालसा, फालसा का किसके द्वारा होता है बीजों के द्वारा, तीसरा कौन है जामुन, जामुन का भी किसके द्वारा बीजों के द्वारा, करौंदा का किसके द्वारा होता है बताओ बीजों के द्वारा। अब मैंगो स्टीन की बात करें, किसका मैंगो स्टीन का, तो इसका भी किसके द्वारा होगा बीजों के द्वारा, और कागजी नींबू का किसके द्वारा होता है बीजों के द्वारा। तो ये इतना पॉइंट तो अपने को ध्यान रखना है जो कहां हो रहे हैं बताओ बीजों के द्वारा। तीन चार प्रश्न और बीजों के द्वारा आता है, रतन जोत का उदाहरण आ जाएगा तो किसके द्वारा है बीजों के द्वारा। अगर हम बात करें मेडिसिनल प्लांट में बीजों के द्वारा किसका प्रवर्धन करते हैं, जो प्रश्न आता है इसफ गोल का, किसका है इसफ गोल का, इसका किसके द्वारा होता है बताओ, और कोई मेडिसिनल प्लांट बताओ जिसका हम बीजों के द्वारा करते हैं, ओपियम, ओपियम अफीम का, इसका किसके द्वारा करते हो बीजों का, जबकि सर्पगंध और अश्वगंध का किसके द्वारा करते हैं जड़ों के द्वारा, किसके द्वारा करते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीजों के द्वारा और प्रवर्धन किसका करेंगे, तो जितने जो सब्जी होते हैं इसका प्रवर्धन हम किसके द्वारा करते हैं बीजों, क्योंकि हम टोटल हम बीज पढ़ रहे हैं और हॉर्टिकल्चर को कंबाइंड लेके चले, तो यहां ये तीन प्रश्न आपको बनेंगे बीजों के द्वारा, इधर प्रश्न ये बनते हैं किसके द्वारा बीजों के द्वारा। और ज्यादातर बच्चे ना पपीता याद रखना, और कौन याद रखेंगे कागजी नींबू, बाकी और नींबू की बात करें मौसमी करे, संतरा करे, स्वीट लाइम करे, लेमन करे, चकोतरा करे, ग्रेप फ्रूट करे, इन सब का टी बडिंग के द्वारा, किसके द्वारा करते हैं टी बडिंग। वेजिटेबल्स में अगर बात करें सोलेनेसी की, किसकी बात करें सोलेनेसी में, तो किसको छोड़कर बताओ आलू को छोड़कर, किसको छोड़कर आलू को छोड़कर, किसके द्वारा करते हैं बीजों के द्वारा। जैसे हम बात करें टमाटर की, बैगन की, मिर्च की, और किसको छोड़ देना है आलू को, ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा। अगर हम कुकर बीट्स की बात करें, किसकी बात करें बताओ कुकर बीट्स की, तो लगभग कुकर बीट्स किसके द्वारा होते हैं बीजों के द्वारा, किसको छोड़कर परवल को छोड़कर, किसको परवल को करते हैं लत के द्वारा, वाइन वी आई एन ई, इसके द्वारा हम करते हैं इसका। और ये डायरेक्ट पूछता है उसकी जड़े को क्या करते हैं काट देते हैं, उसके बाद हम सेम वाइन जो होता है वी वाई ई एन, इसमें शकरकंद को भी करते हैं, किसको करते हैं बताओ शकरकंद का जो प्रवर्धन होता है ना वो बीजों के द्वारा नहीं करते हैं, किसके द्वारा उसकी लत होती है, क्या होती है तो लत के द्वारा हम करते हैं, किसके बताओ तो इन सब में। अगला हम बात करें उसके बाद मेजर ये हो गया, अब हम बात करते हैं कोल क्रॉप की, किसकी बात करेंगे कोल क्रॉप, समझ में तो आता है कोल क्रॉप का मतलब फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी होंगे, गांठ गोभी हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट मैं तुझे बताता हूं इतनी शानदार, यहां भी काम आएंगे, तुम वैसे सब्जी की बात करो ना जो नीचे होते हैं, नीचे हल्दी को छोड़कर, हल्दी अपने सब्जी में नहीं आते हैं, मसाला में आएंगे, किसमें आएंगे, लेकिन जितने सब्जी जिसका हम नीचे वाला भाग कहते हैं, जरा एक बार बात करें जिसका फल नहीं खाते हो, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, गांठ गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ब्रुसेल्स स्प्राउट हो गया, नॉल कोल हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, और चुकंदर हो गया, इतने तो नीचे नीचे वाले, पालक हो गया, उसके बाद बथुआ हो गया, उसके बाद नीचे की और भाग बताओ कोई ऐसा, मेथी हो गया, आलू को तो अपन छोड़ दिए हैं, आलू का किसके द्वारा कर रहे हैं ट्यूबर के, तो इन सब का भी प्रवर्धन किसके द्वारा हम करते हैं बीजों के द्वारा, किसके द्वारा कर रहे हो। तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि बीजों के द्वारा अपन पांच पढ़ाए हरे राम सर, तो पांच ही बोल रहा हूं, कोल क्रॉप में कितने क्रॉप हो गए सात,
और 20-25 किस में हो गया? कुकर बीट्स। 3-4 किस में हो गया? सोलेनेसी। रूट क्रॉप बताओ, जड़ वाले में, जड़ वाली में। तो जड़ वाले में कौन कौन हो गया? गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ये सब किसका हो गया? जड़। पत्ती वाले बता सकते हो? पत्ती वाले में धनिया हो गए, और कौन हो गया? पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया। तो समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि केवल अपना 5 क्रॉप पढ़ो। अब बताओ बीजों के द्वारा बता सकते हो? इन सब का प्रोपगेशन किसके द्वारा हम करते हैं? बीजों के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? अपने बुक में कितने दिए हुए हैं? 3-4। बाकी ऐड कर दिए हो आप लोग? नहीं ना, नहीं की, सब याद है। अब सर इसकी क्या जरूरत है, ये सब जानती हूं मैं, आप पूछ कर देख लो, ठीक है? सब याद है, एक याद रखना परबल। सारे कुकरबिट्स में ये सब होते हैं मोनोशियस, और ये कैसा है? डायोशियस। इसका मेल अलग और फीमेल अलग। चले भाई, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के लिए क्लास रखा गया इंपॉर्टेंट। कौन सा नाम है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चले, ए का मतलब क्या होता है? नहीं। तो क्या नहीं होगा? सेक्स नहीं। सेक्स उक्स की चर्चा यहां नहीं, यहां हम केवल एक ही प्लांट की चर्चा करेंगे, और वो प्लांट का हो सकता है तना, हो सकता है जड़, हो सकता है। तो बताओ इसका 3 भाग हम पढ़ेंगे। एसेक्सुअल में क्या क्या पढ़ते हैं? किसके द्वारा हो सकता है? या तो आप कटिंग कर दो, कटिंग समझती हो गुड़िया, बाल काट देते हैं। अगर हम में होता ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मजा आ जाता। जहां जहां मेरे बाल काट देती ना, और बाल से हरे राम बन जाता, मजा आता। तो ये सब देख, जहां जहां मैं एक बाल छोड़ देता, नागौर में, एक बीकानेर में, एक कोटा में, तुम लोग को इधर आने की जरूरत नहीं था, उधर ही ये सब सीखते रहते, सेक्सुअल कटिंग। तब बस ऐसा होता नहीं है, हमें सेक्स करना पड़ता है, तब जाके हम लोग उत्पन्न होते हैं, अजीब प्राणी है। तो देखिए कटिंग क्या है बताओ? कटिंग। तो पहला है कि पेड़ पौधे को क्या करना पड़ेगा? काटना। अच्छा, एक प्रश्न यहां से आता है मन में, टीचर पढ़ा देते हैं कि बेटा कटिंग याद रख लेना, हम बच्चे भी याद रखते हैं, कटिंग में किसको काटना है? तो लड़के बोलते हैं गुरुजी तना को काट दो, गुरुजी जड़ को काट दो, और किसको काट दो? पत्ती को काट दो। इन तीनों को काट दूं और इसमें ऐसा गुण हो, ध्यान से समझना, इस पेड़ के तना को मैं काट दूं या इसकी शाखा को काट दूं, इस शाखा को लगाऊं और इससे नया प्लांट बन जाए, क्या बन जाए? नया प्लांट बन जाए, बिल्कुल ऐसा ही प्लांट बन जाए, तो इसे हम बोलते हैं प्रोपगेशन। क्या बोलोगे? प्रोपगेशन। यानी इसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई इस कटिंग से ऐसा बन जाए। सेम आप समझो कॉन्सेप्ट को, जड़ को भी अगर काटूं और जड़ से नया प्लांट बन जाए, पत्ती गिरे और नया प्लांट बन जाए, मजा आ जाए। ये सारे गुण सब प्लांट में नहीं है, वैसा होता तो आम उम की पत्ती टूटता खेत में लगा देते, पपीता के पत्ती टूटे खेत में लगा दो, पर सब में भगवान ये गुण, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इंटरव्यूअर में पूछेगा, पढ़ लोगे पत्तियों के द्वारा रट लिया, और जड़ों के द्वारा, तना के द्वारा, क्या सब तना से प्रवर्धन हो सकते हैं? नहीं। देखा है कहीं पीपल के डंगड़े गिर गए, ब्रांचेज गिर गया टहनी, और नया पीपल बन जाए? नहीं होते। इसका मतलब ये सब में भगवान गुण नहीं दिए। पहली बात करेंगे हम किसके बारे में बताओ? कटिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एक समरी बनाता हूं, किसके बारे में? कटिंग। कटिंग का कौन कौन सा भाग काट दोगे? तना काट देंगे, और कौन काटेंगे? रूट काटेंगे, और क्या काटोगे? लीफ। तो फर्स्ट कटिंग का ये भाग बनेगा। दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्राफ्टिंग के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ्टिंग के बारे में। और तीसरा जो पॉइंट आएगा वो किसके बारे में हम पढ़ेंगे? बडिंग के बारे में। किसके बारे में? बडिंग। बडिंग को बोलते हैं चश्मा भी लगाना, कहीं कहीं इसको बडिंग भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको कलिकायन बोलते हैं। इसीलिए ये टॉपिक मैं इंग्लिश में ही लिखता हूं, किसमें लिख रहा हूं? एक ही चीज तो याद करना है बडिंग, हिंदी वाले बेचारे 4 याद करना पड़ता है, चश्मा लगाना, बडिंग, और क्या है? कलिकायन। तो ये अजीब नाम आते हैं।
और यहां ग्राफ्टिंग केवल याद रखेंगे क्या बताओ ऐसा, इसका इंग्लिश शब्द ही याद रखेंगे, क्या याद रखोगे ग्राफ्टिंग। बाद में तुझे कहीं नहीं कोई पूछेगा चश्मा लगाना किस, मैं भी ना इधर राजस्थान में जब पढ़ाने लगा तो एक बच्चा आके बोला सर बताओ ना गुलाब में कौन सा चश्मा लगाते हैं, मैं खुद कन्फ्यूज, अरे आज तक चश्मा लगाना नहीं पढ़ा हूँ, ये मेरे को चैलेंज कर रहा है कि नहीं सर गुलाब में चश्मा लगाते हैं, तो अपने भी दिमाग खराब, बड़ा दिक्कत हुआ। अच्छा अब फोर्थ नंबर जो पॉइंट पढ़ोगे ये इंपॉर्टेंट है, लेयरिंग क्या है बताओ, और फिफ्थ नंबर जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, और आज ही खत्म करेंगे चाहे जितना फास्ट पढ़ाना पड़े टिश्यू कल्चर। और छह नंबर है ये है अदर मेथड। सर अदर मेथड का मतलब क्या है, ये भी होगा किससे, वेजिटेटिव पार्ट से, किससे होगा, हाँ वेजिटेटिव पार्ट से कुछ रूपांतरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अदर मेथड। तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, कहां से शुरू करेंगे चैप्टर बताओ, कटिंग, उसके बाद क्या है ग्राफ्टिंग, उसके बाद बडिंग, उसके बाद क्या है लेयरिंग, उसके बाद टिश्यू कल्चर, और क्या है अदर मेथड। सबसे पहला जो हम शुरू कर रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे, कटिंग, किसके बारे में बताओ, किसको किसको काटेंगे, एकदम जल्दी आना चाहिए, किसको, तना को काटेंगे, उसके बाद जड़ को, उसके बाद, अब जब काट तो तुम लोगे भाई, काटना तो बहुत इजी है, काट लोगे, पढ़ा दिए गुरुजी काट लेंगे, कितना मोटा काटना है ये कॉन्सेप्ट है, सब लड़के को पता है कि काट देना है, और कितना मोटा, यदि हमारे इतना मोटा तना काट के ले आना लगा देना खेत में, ये लो शंकर भगवान की, हम लोग ऐसा ही पढ़ते थे भाई, बीएससी में हमारा नॉलेज ऐसा ही था, कटिंग पढ़ाता था, मेरे मन में आता था ट्रक ले जाऊंगा उस पे तना को काट काट के ट्रक पे भरूंगा खेतों में लाके डालूंगा, ऐसा ही कॉन्सेप्ट थे क्योंकि गुरु जी वैसे महान थे। कटिंग कम, अच्छा एक बात बताओ मुझे, एकदम परफेक्ट चीज आना चाहिए, ये जितने जो कटिंग फटिंग जो कर रहे हो इन सब की मदर जो है ना वो बीज है, ये ध्यान रखना, इन सब की मदर कौन है, इसलिए बीज को भूलना नहीं है, बीज से ही निर्धारण होता है एसेक्सुअल का, किसका निर्धारण होता है, अरे भाई सबसे पहले तो बीज आया होगा तभी तो अनार बना, जैसे तुम रट लेते हो हार्ड वुड कटिंग किसमें करते हैं, एकदम रट लिया बच्चा, एक अगर पढ़ाना हो तो देख एक पेज है, इसको मैं ऐसे ही बोल दूं पांच मिनट में प्रोपगेशन खत्म, क्या बोल दूं, अ से अनार, अ से अंगूर, अ से अंजीर, और लड़का भी यही पसंद करता है, बस गुरुजी ऐसे ऐसे चलने दो, पर दिमाग में क्या आता है हार्ड वुड कटिंग बोल दिया, क्या बोल दिया कटिंग, तो कटिंग बोलने का मतलब भूल गया क्या बोल रहा था, बड़ा अच्छा शब्द आया, छोड़ो, इन सबका पूर्वज कौन है बताओ, सीड, कौन है, सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे, कटिंग, अब कटिंग में काटना है इस तना को, ये वाले भाग देखो किसको काटेंगे, इस कटिंग को, तो ये भी तीन तरह के होते हैं, कौन कौन, आयु के आधार पे, देखो ऐसे पूछता है प्रश्न, किसके आधार पे, आयु के आधार पे कटिंग कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, एक को क्या बोलोगे हार्ड वुड कटिंग, समझना ये तो लिखा हुआ है इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूं, दूसरा है सेमी हार्ड वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग, और सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, सेमी का मतलब होता है अर्ध, और हार्ड का मतलब होता है कठोर, ठीक है, आयु के आधार पे तुम खुद बता दोगे सबसे कम आयु किसका होगा, सॉफ्ट का, तो इसके आयु होते हैं 6 से 9 माह के बीच होनी चाहिए, किसकी आयु, सॉफ्ट वाले की आयु कितनी होनी चाहिए, ये ना कोई पेपर पे ना छोटा छोटा आप लिखते रहना, कहीं कहीं 6 से कम भी रखते हैं तो कोई नहीं अपन चल जाएंगे, 6 माह से क्या रखते हैं कम। देखो अर्ध वाले के आ जाते हैं यहां पे, तो इसकी आयु रखते हैं, कहीं बुक में देखा होगा 6 से 12 माह के बीच भी होते हैं, पर जानते हो ये निर्भर करता है किस पे, क्रॉप पे, कोई जल्दी परिपक्व होगा कोई क्या होगा पहले परिपक्व, तो इसको मैं रख देता हूं ऐसे 6 माह से कम, ताकि आपको ध्यान हो 6 माह से कम, और ये कहां रख देता हूं 6 से 12 या 6 से 9 माह, 3 महीना कोई अंतर नहीं होते हैं 6 से 12,
और ये रख लेते हैं एक से डेढ़ साल। कितने साल रखोगे? एक से डेढ़ साल। किसका रख लिया बताओ? हार्ड वुड कटिंग की आयु कितना रखोगे? एक से डेढ़ साल। यहां कितने हैं? छह से नौ माह, और ये कितना है? छह माह से कम। तो सबसे कोमल लकड़ी कौन होगी? सॉफ्टवुड। कौन होगी? सॉफ्टवुड। उसके बाद कौन है? सेमी हार्डवुड। उसके बाद कौन है? हार्डवुड। हार्डवुड की आयु कितना रख लिए? एक से कितने साल? हार्डवुड का कितना है? एक से डेढ़ साल। साल में आ गया, डेढ़ साल। इसका कितना है बताओ? सेमी हार्ड का तो छह से नौ या बारह तक, कितना? या नौ से बारह माह भी लिख सकते हो। और सॉफ्ट का कितना रखे हैं? छह माह से कम। अब देखो, हमने कटिंग तो काट लिया, किसके आधार पे? आयु के आधार पे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्या, इसकी लंबाई, कटिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो कटिंग की लंबाई 22.5 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट कितना पूछा जाए? 22.5, लेकिन ये निर्भर करता है, ये 18 से कहीं 20 भी, कहीं 22 सेंटीमीटर। अपने को क्या याद रखना है? 20 से 22, कितना? 20 से 22 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20 से 22 सेंटीमीटर। अब जो ये कटिंग काटते हैं तो इसमें पूछ लेगा ये एंगल, ये जो खत साइज से काटे हो ना, ये कट है, तो ये कट का ये एंगल कितने होते हैं? तो ये 45 डिग्री। कितने डिग्री? 45 डिग्री। अब ना काटोगे तो नीचे वाले भाग कैसा आ गया? इस तरह से। और यहां पे क्या लगा हुआ है बताओ? पत्ती। कहीं कहीं मैं ऐसा देख रहा था ना, एक वीडियो में आपको बताऊंगा, यही राजस्थान में पढ़ा रहे हैं, दोनों तरफ जड़ ला देते हैं, पोलैरिटी बताते हैं। ये पोलैरिटी है यहां सबसे अच्छा, जैसे एग्जाम बड़े होंगे आपको मजा आएगा। ये कट किस लिए लगाते हैं? इंटरव्यू में पूछेगा, तो पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। अभी क्या है, छोड़ दे पोलैरिटी, ध्रुवता को, ये केमिस्ट्री की भाषा है। आप केवल याद रखो, केमिकल को मेंटेन करना है, हार्मोन को मेंटेन करना है, और हार्मोन पूछ लेगा कौन सी हार्मोन को मेंटेन करते हैं इस कटिंग में? ऑक्सीन को। किसको करते हैं बताओ? ऑक्सीन। तो ये याद रहेंगे पॉइंट कि जो तिरछा कट लगाते हैं, तिरछा, उसमें किस हार्मोन को मेंटेन किया जाता है? ऑक्सीन को। किसमें मेंटेन करेंगे? किसको? ऑक्सीन को। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, कितने डिग्री का कट लगा दिया? 45। लंबाई कितना रखा? 22 सेंटीमीटर। और कैसा लगाओगे कट? तिरछा। अब ना इस कटिंग को ना केवल ऐसा दे देगा आपके एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में। अब बोलेगा जमीन के अंदर कौन जाएगा? कुछ भी नहीं है, पत्ती उत्ती नहीं। एमएससीआर में, पीएचडीआर में ऐसे दे देते हैं कट, पता नहीं लगता है कि काटा गया है कहां से। तो कैसे देखोगे बताओ? एक तो ये पता लगेगा, अगर किसी भी शाखा को हम काटे हैं तिरछा से, तो कौन सा भाग नीचे जाएगा बताओ? कौन सा भाग नीचे जाएगा? जो भाग कैसा है? तिरछा। देखो, इस बोलता है बराबर क्यों नहीं काटते हैं? ऐसा काटते हैं इस टाइप से, ताकि ये कहां आ जाए बताओ? जमीन के नीचे। और जमीन के नीचे आए तो मिट्टी पे कौन सी एरिया? ये वाले भाग, यहां पे मिट्टी है, तो मिट्टी पे ये कितनी एरिया कवर कर रहा है बताओ? कम। ये एरिया क्या है? कम। और ये इस तरह से इसको लगाते हैं, तो ये कटिंग हो गया। अब कटिंग में पूछ लेगा कौन सा हार्मोन का ट्रीटमेंट करते हो? तो हार्मोन कौन करते हैं? IBA। कौन सा? IBA। ये दिखा भी चुका था आपको, कौन सा हार्मोन का ट्रीटमेंट लगाओगे? देखो, ये कट लगाते हैं, और कट में से ये कटिंग की है साइज, पोलैरिटी को हम क्या करते हैं? मेंटेन। इसमें दिया है लेंथ कितना? 15 से 20, लेकिन आप 20 सेंटीमीटर रखना, 20 से 22। अब इस कटिंग में देखो, एक हार्मोन में डुबा देते हैं, ये पाउडर के जैसा हार्मोन है, इसका नाम है रूटेक्स। क्या नाम है बताओ? रूटेक्स। ये पूछा गया है प्रश्न, और इसमें एक ऑक्सीन है, आर्टिफिशियल ऑक्सीन, जिसका नाम होता है IBA। क्या नाम है? IBA। इसको ना भारत में कॉमर्शियल ऑक्सीन के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना, कॉमर्शियल ऑक्सीन। व्यवसायिक ऑक्सीन किसे कहते हैं? एकदम बच्चा गलत कर देगा, IAA टिक कर देगा, ध्यान रखना।
कॉमर्शियल ऑक्सीजन किसे कहा जाता है, व्यावसायिक ऑक्सीजन, तो किसे कहा जाएगा, IBA को। लेकिन प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन अगर पूछा जाए प्रचुर मात्रा में, तो आंसर टिक होगा IAA। कौन सा टिक करोगे, IAA। अच्छा, वेंट ऑक्सीजन पूछा जाए तो भी टिक क्या करते हैं, IAA। वेंट ने किस पे काम किया था बताओ, IAA। अगला कोगल ऑक्सीजन पूछा जाए, ये तीनों आते हैं कोगल ऑक्सीजन, तो कोगल ऑक्सीजन भी किसे कहा जाता है, IAA को। लेकिन ये केमिकल के रूप में थे, खोज नहीं किया था कोगल, केमिकल का नेचर मिलता था किससे, नेचर मिलता था किससे, IAA से। ध्यान रखना, खोज नहीं था। और ये किस पे किया था बताओ, मानव मूत्र पे। किस पे खोजा गया था, मानव मूत्र। बताया हूं कौन ऐसा इंसान है जिसमें ये ऑक्सीजन दिखाई पड़ेगा, किस विटामिन की कमी के कारण, अब ये याद है, ठीक है, विटामिन इसको क्या बोलते हैं, नियासिन। जिसमें नियासिन की कमी होगी उसके पेशाब में कौन सा पाया जाता है हार्मोन, ऑक्सीजन। कौन सा है, चले आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमें बताओ कॉमर्शियल ऑक्सीजन के नाम से किसे जानेंगे, बताओ कॉमर्शियल ऑक्सीजन किसे बोलोगे, IBA। कॉमर्शियल किसे कहते हैं सर, व्यावसायिक स्तर पे जिसका उपयोग किया जाता है वो कौन सा ऑक्सीजन है, IBA। और इसका नाम क्या है, रूटेक्स। रूटेक्स का मतलब ये जड़ों को आरंभन करने वाला। आपके एग्जाम में पूछेगा कौन ऐसा हार्मोन है जो जड़ों को बनाता है, आरंभन करता है, तो कौन है, रूटेक्स। कौन है, रूटेक्स। तो बताओ ये बेसिक पॉइंट कटिंग के आपको समझ में आया, कहां पे आप डाल दिए हो बताओ, इसको अभी कहां डाल दिए हो, इस कटिंग को हम डाले हुए हैं कहां पे, अब ट्रीट किया हुआ था यहां, किससे ट्रीट किया था बताओ, IBA से। किससे ट्रीट किया, IBA। अब इसको हम डालेंगे ग्रीन हाउस में, कहां डाल दोगे बताओ, ग्रीन हाउस में, इस कटिंग को ग्रीन हाउस में। अच्छा, यहां पे ये भी तो डाले रहेंगे मीडिया, नर्सरी मीडिया। कौन सा मीडिया है, आजकल जो मीडिया है ना दोस्त, दो तरह के मीडिया पढ़ा चुका हूं आपको, एक में तो रहेगा सॉइल और एक में रहते हैं सॉइललेस, यानी कि सॉइल नहीं है, एक में सॉइल है एक में सॉइल। अगर सॉइल के साथ मीडिया बनाओगे तो आपको मिलाना पड़ेगा FYM, क्या मिलाना पड़ेगा। अच्छा, मीडिया किसे कहते हैं, जिसमें प्लांट ग्रो होगा, कल्चर, जिसमें प्लांट क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। अच्छा, एक सॉइललेस मीडिया आजकल बड़ा चला है, एग्जाम में ये सब आते हैं, तो इसमें क्या डालते हैं बताओ, वर्मीकुलाइट। क्या डालते हैं, वर्मीकुलाइट। इसका रेशियो किसी को पता है, और कौन है, परलाइट, वर्मीकुलाइट, परलाइट। अगला कौन है, कोकोपीट। क्या है ये, पढ़ा चुका हूं, कोकोपीट की मात्रा ज्यादा, कितनी, तीन मात्रा, तीन, पर लाइट एक और ये एक। अगर एग्जाम में कोकोपीट पहले पूछ लिया, कोकोपीट, पर लाइट और वर्मीकुलाइट, तो अनुपात 3:1:1। अगर पूछ लिया पर लाइट, कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, तो 1:3:1। ये तो कर लोगे, ये बाद में और पढ़ाऊंगा नर्सरी में अच्छे से, अभी छोड़ दे। तो इस तरह के मीडिया, मीडिया में क्या डाला हुआ है, कटिंग, कौन सा हार्मोन का ट्रीटमेंट किया, IBA। कौन सा ट्रीटमेंट किया, IBA। अब हम ग्रीन हाउस में डाल रहे हैं, ये पूछेगा बूस्टर है, बूस्टर केमिकल, नर्सरी बूस्टर केमिकल किसे कहते हैं, नर्सरी को बूस्ट करने के लिए, जैसे होता है ना बॉर्न बीटा बूस्टर है, प्रोटीनेक्स बूस्टर है, बच्चों को देते हैं, बेटा बैग टांग के जा रहा है, बोर्न बीटा पिला के भेजो, तो इसको ये जो पौधे हैं, छोटा सा भी पौधा है बेचारा, देखो इसको डालते हैं साइकोसील। क्या डालते हैं, साइकोसील। और ये क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट है। कैसा है ये, ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट का मतलब क्या होता है बताओ, ग्रोथ को रोकने वाला। दूसरा, विपरीत वातावरण में सहायता करेगा, विपरीत वातावरण में क्या करेगा, सहायता। जैसे बच्चे को बोर्न बीटा पिला के भेजते हैं ताकि वो लड़ाई उड़ाई से क्या हो, बैक्टीरिया उक्टेरिया आए अटैक करे तो उससे क्या करे, प्रोटेक्शन। तो बोर्न बीटा के जैसा काम करता है कौन, साइकोसिल। तो ये कटिंग के बेसिक पॉइंट आपको आना चाहिए, उसके बाद तो कुछ नहीं है, ये बेसिक अपने बुक में नहीं है, तो ये बेसिक कंप्लीट। अच्छा बताओ, इसको कवक से भी ट्रीट किया जाता है, कवकनाशी।
सुने हो, कवकनाशी थायरम से भी ट्रीट कर सकते हो, जिसको बीजो उपचार आप करते हो ना उससे भी हम ट्रीट इसको कर सकते हैं, पर छोड़ो वो तो। अब हम आ जाते हैं टू दी पॉइंट, पॉइंट पॉइंट पे। कटिंग समाप्त हो गया, कटिंग में अब कुछ नहीं बचा। देखो कटिंग में कितने कटिंग पढ़ना है, तीन। कौन कौन? हार्डवुड कटिंग, और कौन है? सेमी हार्डवुड कटिंग, और कौन है? सॉफ्ट। कौन है? सॉफ्ट। अब हमें बताओ हार्डवुड कटिंग का तीन उदाहरण इंपॉर्टेंट, अ से अनार, अ से अंगूर, अ से अंजीर। अब देखो आजकल अंगूर का ये बन गया है सब कॉमर्शियल मेथड, ये ध्यान रखना। अगर कॉमर्शियल मेथड व्यवसायिक विधि किसे कहते हैं गुरुजी? कम लागत में अधिक आमदनी, इसको हम बोलते हैं व्यवसायिक विधि। इन्हें की ऐसा मेथड पढ़ो जिसमें लागत ही ज्यादा लग जाए ना, तो इसको बोलते हैं कॉमर्शियल मेथड। बताओ हार्डवुड कटिंग किसमें कॉमर्शियल मेथड है? इन तीनों में है। कौन कौन? अनार, अंगूर, अंजीर। अनार में आजकल एक और मेथड अपनाते हैं, बताएगा कोई? जिसे हम एडवांस का मतलब क्या है भाई, इससे तो कर ही रहे थे, इससे और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो किससे आ रहे हैं बताओ? अनार में आजकल हम करते हैं एयर लेयरिंग। क्या करते हैं? पर इसको दिमाग में रखना ही मत, ये सब तुम्हें तो अभी नहीं पूछेगा, तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। जो है भाई उतना ही पढ़, तुझे ज्यादा पढ़ाना भी हमें गलत हो जाते हैं। अभी हम क्या रखेंगे हार्डवुड कटिंग में? अ से अनार, अ से अंजीर और अ से, बस इतना। सेमी हार्डवुड में तीनों अ है, अ से आम, अ से अमरूद, अ से आमला। तीनों अ याद हो गए। सेमी हार्डवुड आज तक कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। सॉफ्ट कोमल एकदम, तो कौन? चाय कोमल है, सॉफ्ट और काजू, ये दोनों याद रखना है। देखो काजू का प्रश्न ज्यादा अच्छा बनता है ना सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग करके। क्या आएगा प्रश्न में? सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, तो ये ध्यान रखना। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग तो ये किस में है? काजू में। तो अभी ग्राफ्टिंग क्या है ये तो रहने दो, सॉफ्ट शब्द आ जाए तो दो के लिए, चाय और काजू। तो बताओ क्या क्या है? तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट बना। जय राजधानी ने सही जवाब दिया था, अनार का एडवांस मेथड एयर लेयरिंग, बिल्कुल सही है हार्डनिंग के लिए। फार्मर का सही कहना है, अरे मेवाड़ साहेब ये हार्डनिंग थोड़े समझते हैं, ये देखो एग्जैक्ट शब्द लिखा, बाद में पढ़ोगे ना साइकिल साइकोसील का उपयोग करते हैं हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब क्या होता है? इसको क्या बनाना है? कठोर, कठोर ही तो एक बच्चे को भी बॉर्नविटा क्यों देते हैं? ताकि वो धीरे धीरे क्या बने? कठोर बने, अंदर से क्या बने? स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए केमिकल बूस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? साइकोसिल। कौन जानते हैं? अलग अलग नाम है उसके। तो हार्डवुड कटिंग हो गया, सेम बताओ पांच पॉइंट केवल कटिंग से रे। अ से अनार, अ से अंगूर, अ से अंजीर और चाय और काम खत्म, कटिंग समाप्त। अब आते हैं दूसरा पॉइंट जिसका नाम क्या है? ग्राफ्टिंग। क्या नाम है बताओ? ग्राफ्टिंग। सबसे पहला पॉइंट समझना है ग्राफ्टिंग होता क्या है, किसे कहते हैं ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग का मतलब होता है दो प्लांट को मिलाना, क्या कहलाएगा? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब देखो, पहला ये तो एक क्या है प्लांट, यह एक प्लांट है, ध्यान से समझो आप, एक बार समझा देता हूं। इसकी जड़ें क्या है? लंबी। और इसका फल क्या है? अच्छा ये फल है, ये फल क्या है? बड़ा। और इसकी जड़ क्या है? गहरी। सपोज दैट इस प्लांट की जो है ना जड़ अच्छी है, इसका कौन सा भाग अच्छा है? जड़। और इसका ऊपर वाले भाग अच्छा है, अभी इतना ही समझो। तो एक तो ले लेगा जड़, ये ले लिया नीचे वाले राजस्थान है, ये राजस्थान का प्लांट है, और ये समझ लो फल उल ज्यादा अच्छा होते हैं महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तो ये महाराष्ट्र का है। तो ऊपर वाले हमें किसका लेना पड़ेगा बताओ? ये वाले, ये किसका ले लिया? जिसका फल बड़ा है। तो ये जहां जुड़ा हुआ भाग है ये कहलाता है यूनियन, जिसको बोलते हो संधि। क्या बोलते हैं? संधि। ऊपर वाले भाग कहलाता है सियोन। क्या कहलाता है? जिसे हम कहते हैं साकुर। और नीचे वाले भाग कहलाता है मूल ग्रंथ। क्या कहलाएगा?
जिसे हम कहते हैं रूट स्टॉक। क्या बोलोगे? अच्छा, ये नाम से ही पता रहेगा, मूल ग्रंथ। मूल का मतलब ही होता है जड़, तो नीचे वाले भाग क्या कहलाएगा? मूल ग्रंथ। ऊपर वाले भाग क्या कहलाएगा? सियोन। ऊपर वाले भाग, अरे बेल्ट के ऊपर वाले भाग सियोन, बेल्ट के नीचे वाले भाग रूट स्टॉक। अब बताओ बेल्ट के नीचे वाले भाग का कार्य क्या है? क्या कार्य? जो तुम सोच रहे हो वो तो कार्य है ही नहीं, गधेड़े राक्षसों। सबसे इंपॉर्टेंट है बेल्ट के नीचे का कार्य है मैकेनिकल सपोर्ट देना, सहारा देना। भाई हम जो हैं आज किसके ऊपर हैं? पैरों के ऊपर हैं। तो इसका मेन कार्य अगर एग्जाम में आ जाए, देखो रूट स्टॉक का मेन कार्य, रूट स्टॉक। अच्छा बताओ गुड़िया, रूट स्टॉक समझ गए हो? मूल ग्रंथ किसे कहेंगे? जब दो प्लांट जोड़ेंगे तो इसके नीचे वाले भाग क्या कहलाएगा? रूट स्टॉक। ऊपर वाले भाग क्या कहलाएगा? सियोन। आप यही लिख देता हूं सारे। इसका पांच विशेषता बताओ। जड़ कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। हवा के प्रति क्या होनी चाहिए? प्रतिरोध होनी, यानी हवा तेज चले जड़ ही खत्म, उखड़ जाए। तो ऐसे रूट स्टॉक से क्या मतलब? राजस्थान में संभव ही नहीं होगा, गर्मी के दिनों में रूट स्टॉक लगा दिया, ग्राफ्टेड प्लांट। हवा बोला अच्छा ग्राफ्टिंग लगाए हो पांच बीघा में, आता हूं, इधर से आएगा वो उड़ाते हुए ले चला जाएगा, सारे प्लांट गिर गए। तो हवा के प्रति क्या होना चाहिए? प्रतिरोध। कीटों के प्रति क्या होना चाहिए? प्रतिरोध। बीमारी के प्रति क्या होना चाहिए? प्रतिरोध। ऐसा ही लिख देना है, फेकोलॉजी चलते हैं। अच्छा जड़ का और काम क्या होता है बताओ? जड़ का अभी पढ़ा चुका हूं, अवशोषण क्या करेगा? ज्यादा। अवशोषण क्या करेगा? बस पांच छह पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट जड़ का। और जड़ होते हैं लवण के प्रति होनी चाहिए सहनशील, सॉल्ट के प्रति सहनशील, अम्ल के प्रति क्या होना चाहिए? सहनशील। लो भाई जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। अब बताओ ऊपर वाले भाग का गुण बता दो। तो ऊपर वाले भाग क्या होना चाहिए? फल बड़ा होना चाहिए। अगर फल है तो फल की चर्चा करेंगे, फूल है तो फूल की चर्चा करेंगे। अगर फूल रहता तो क्या बोले? फूल आकर्षित होना चाहिए, फूलों में सुगंध होना चाहिए, फूल कीट के प्रति प्रतिरोध होना चाहिए, बीमारी के प्रति क्या होना चाहिए? प्रतिरोध होना चाहिए। लिख दोगे ऐसे ऐसे पॉइंट, तो ये हो गए फूल। अब फल में क्या है? पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, विटामिन कंटेंट ज्यादा होनी चाहिए, खनिज क्या होनी चाहिए? ज्यादा। स्वाद में कैसी होनी चाहिए? अच्छी। सुगंध कैसा होना चाहिए? बढ़िया। ऐसे क्या है रे फल की चर्चा, खुद एक उत्तम फल को, फल आकर्षित होना चाहिए। यानी कि आम है उसका ऐसे नाक निकला हुआ है, देखा होगा आम, तोतापुरी, तो तोतापुरी को लोग कम खरीदते हैं, ऐसे है चोच निकला हुआ है, तो चोच और बड़ा हो जाएगा तो उसको कोई खरीदेंगे नहीं। सब चीज होनी चाहिए किसमें? सियोन में। समझ में आ रही है ना कि कौन कौन से पॉइंट सियोन का बनता है? रूट स्टॉक। इसको अलग से लोग पढ़ाते हैं पर मैं इसी में पढ़ा देता हूं। सियोन की कैरेक्टर और किसकी कैरेक्टर हो गई? रूट स्टॉक। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। देखो अब क्या है इमेज, ये और अच्छा दिख रहा है आईबीए। कौन दिख रहा है? ऐसे ट्रीट करते हैं, कॉलेज उलेज में करोगे खूब अच्छे से करोगे। चले आ जाते हैं, ये है जंक्शन बनाते हैं, ये सब बाद में पढ़ेंगे। कटिंग, सेमी हार्ड वुड कटिंग रहने देना, ये सॉफ्ट वुड कटिंग ही चल रहा हूं अभी। अपन आना है सियोन। बताओ ये नीचे वाले भाग क्या कहलाएगा? रूट स्टॉक। ऊपर वाले क्या कहलाएगा? और इसका जो यूनियन बना वो क्या कहलाएगा? ये कैसा प्लांट हो गया? ये हो गया ग्राफ्टेड प्लांट। कैसा प्लांट हो गया बताओ? ये हो गया ग्राफ्टेड प्लांट। इसको कौन सा प्लांट? देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, ग्राफ्टेड प्लांट क्या होते हैं? तो ये दो प्लांट का क्या है? कॉम्बिनेशन है। एक प्लांट किसके लिए उपयोग करते हैं? रूट स्टॉक के लिए। एक प्लांट किसके लिए? साकुर के लिए, संकुर के लिए। अच्छा बताओ अभी भी दिमाग में तेरे कमजोरी उतना ही है, इन दोनों प्लांट को कैसे जोड़ा गया? एक प्लांट मैंने बोला था जिसकी जड़ें गहरी है वो कहां की है बताओ? राजस्थान। और जिसका फल बड़ा था वो कहां का था? महाराष्ट्र। तो इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? राजस्थान वाले को तो राजस्थान में रहने दे, और महाराष्ट्र वाले के ऊपर वाले भाग को क्या करना है? कट करके लाना है गुड़िया। और वहां से कैसे लाएंगे? ट्रक से लाएंगे। और वो कट करके कहां जोड़ना है? यहां उदयपुर में। यही तो कर सकते हैं, एक अच्छी विधि है, ऐसा ही करते होंगे। हाँ
हाँ भाई यही करेंगे और क्या, कोई और विधि तो है नहीं हमारे पास, क्या करोगे? पीछे वाला अंकित, अमित, यही करेंगे, चले महाराष्ट्र तो ट्रक लेके चलते हैं। गौरव क्या करेंगे? गधेड़े अभी मारने का मन करता है। मैंने क्या बोला, कटिंग हो ग्राफ्टिंग हो, पेड़ की मोटाई पेंसिल थिकनेस होनी चाहिए। कितनी मोटा होनी चाहिए? जो नए वाले पेंसिल खरीद के लाती हो ना, या जो पेन है सबके पास, इतना ही मोटा होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में पेड़ इतना ही मोटे होंगे कि बड़का मोटका पेड़ होगा। तो क्या करोगे वहां? अब दिमाग लगाओ। हाँ जी, ग्राफ्टेड वेजिटेबल इन पोमेटो, बिल्कुल सही बात है। चर्चा करते हैं, आप लोग भी ऑनलाइन वाले बता सकते हो क्या करें। चले महाराष्ट्र, चले क्या करेंगे? गोपाल, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको, यहां का आम अच्छा है, कहां का? महाराष्ट्र। और राजस्थान की पेड़ की जड़ें क्या होती है? अच्छी, ये हिलेगा डोलेगा नहीं, तेज हवा चलेगा देखता होगा पेड़ ऐसे झुक जाएगा ही रहेगा, ले, क्योंकि इसकी जड़ें क्या है, गहरी है। तो ये जड़े तो भी ठीक है, ये काम आएंगे, पर यहाँ की केरी खा लो, आम उम खा लो। देखता होगा तुम बोलते हो अरे सर आम खट्टे होते हैं, कितने लोगों को ना ट्रिक देता हूं, क्लाइमेट्रिक का मतलब मीठा, नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब खट्टा। स्कूलों में जाके जब पढ़ाना पड़ता है तो वो सारे लड़के बोलते हैं नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, आम तो खट्टे होते हैं। तो कहाँ का आम खा रहा है? राजस्थान। राजस्थान के आम क्या होंगे? क्योंकि जबरदस्ती लगा रहे हो, वो उगना नहीं चाहता है बेचारा, फिर भी तुम उगा रहे हो। अब क्या होगा, इसका आम हम खरीद लेंगे, कहां? महाराष्ट्र में। 5 केजी आम खरीद लेते हैं, 1 केजी में 4 आम, कितने आम आ गए बताओ? 20। तो 20 आम का कितने गुठली बनेंगे? आम खा लेना है, इसके गुठली नहीं फेंकना है, ध्यान रखना है, गुठली को उठाना है, पोलोथीन में पैक करना है। कितने गुठली है हमारे पास, समझो आप पॉइंट को, कितने हैं? 20। ये 20 गुठली को ला करके उदयपुर में हम एक खेत में लगा देंगे। कहां लगा देंगे बताओ? खेत में। और यहां एक ऐसा टैग लिख देंगे, यहां पे बड़ा सा टैग, रिसर्च करोगे और लिख लेंगे SICION, यानी ये किसका है, यहां क्या लगा हुआ है खेत में? सियोन। किसका सियोन है मेरे दोस्त? तो लिख देंगे मैंगो का। कौन सा? जो वेराइटी है भाई मैंने वहां से लाया हूं, अल्फांसो। किसका सियोन है बताओ? अल्फांसो का सियोन है। अब ये साल भर तक इसको इंतजार करेंगे, तो साल भर में ये प्लांट फिर कैसा हो जाएगा बताओ? ये पेंसिल के आकार, इसकी मोटाई हो जाएगी। समझ रहे हो मेरे बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? इस खेत में इतने बड़े बड़े प्लांट 1-1 मीटर का हो जाएगा। यहां जो राजस्थान में था, ये नहीं कि उसी पेड़ पे लगा देंगे, उसका भी लेंगे बीज, और इसका भी क्या लिए हो? बीज। रूट स्टॉक का भी क्या लोगे? सीड। तो आपके प्रश्न बनेंगे, रूट स्टॉक किससे डेवलप होता है, सियोन किससे डेवलप होते हैं? मजा आ गया, ये दोनों पॉइंट किससे डेवलप होते हैं बताओ? सीड से। तो यहां राजस्थान वाले भी पेड़ लेंगे 20-25-50 जो है, इसका भी बीज लेना है, चाहे खा नहीं पा रहे हो, खट्टा आम है तो छिल के केवल बीज ले लेना है। इसका भी लगेगा क्या? प्लांट। ये लग गए प्लांट। अब ये प्लांट की मोटाई कितने कितने है बताओ? सब दोनों बराबर बराबर। समझ में आ रही है ग्राफ्टिंग कैसे होते हैं? अब क्या करेंगे, जो राजस्थान वाले हैं, राजस्थान वाले के रहने दो अपने खेत में, या नहीं भी है तो कोई नहीं, ये तो 1 साल का पौधा किस में आ जाते हैं? पोलोथीन में आ जाते हैं। ठीक है, पोलोथीन में है, ऊपर वाले भाग काट दो, और ऊपर वाले भाग कहां वाले लगा देंगे बताओ? जो आप महाराष्ट्र वाले लाए हो, इसको यहां से काट लो। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। तो इसका रंग दूसरा ले लेता हूं, ये जोड़ दिया ऐसे। तो बताओ ऊपर कौन सा प्लांट है? महाराष्ट्र का। नीचे कौन सा प्लांट है? तो ये दो जगह के प्लांट मिल गए, इसलिए ये कहलाता है ग्राफ्टेड प्लांट। क्या कहलाएगा? अब देखो वैज्ञानिकों को समस्या क्या आया, समस्या ये आया कि दोनों को जोड़ तो दिया हूं भाई, हरेराम कोई और है, और महाराष्ट्र से कोई कन्नड़ बोलने वाला का एक आदमी बना दिया हूं, जोड़ दिया हूं।
अब जुड़े नहीं अच्छा तो वो बोले हम मुझे को कन्नड़ खाना चाहिए, हरे राम बोले मुझे तो दाल बाटी चाहिए, तो दोनों का यूनियन जुड़ता नहीं है। समस्याएं क्या बोले, ग्राफ्टिंग का मेन समस्या क्या है भाई, दोनों अलग अलग प्लांट जोड़ा है, अब ये जुड़े नहीं तो इसकी मर्जी है ना, अब जुड़े नहीं, हवा तेज आता था ऊपर वाले टूट जाता था, बोला अरे सियोन तू कहां जा रहा है पागल, महाराष्ट्र से लाया हूं, ये अलग हो जाते हैं। केवल यहां आधा ऐसे धड़ वाला राजस्थान वाला खड़ा रहता था, ऊपर से क्या अलग हो गया, कब, जब तेज हवा चलते थे तो क्या अलग हो जाता था बताओ, सियोन। तो बताओ ग्राफ्टिंग का मेन डिमेरिट क्या है, क्या है डिमेरिट, हवा प्रतिरोध ना होना, एक। दूसरा डिमेरिट इसका क्या था, यूनियन का ना जोड़ना, यूनियन का ना जोड़ना, ये दो समस्याएं आ रहे थे किस में, ग्राफ्टिंग में, समझ में आ रहा है। अब हम सबसे पहले इन ग्राफ्टिंग को सॉल्व करने के लिए आया क्या, बडिंग, समझ लो पहले। बड में क्या होता है, बड में केवल इस प्लांट में केवल कली लेते हैं, पूरा सियोन नहीं लेंगे, इतना छिलका ये काटेंगे नहीं, हल्की सी कली, और ये कली इसमें डाल देते हैं। अब टी बडिंग बोलेगा तो ऐसा चाकू लेकर के तना पे टी बनाऊंगा, टी बना दिया और इसमें क्या डाल दोगे, कली। तो बताओ ये प्लांट टूटेंगे, कली वाले टूटेगा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये तो तना पे हल्की सी भाग चाकू के द्वारा जोड़ दिया हूं। तो ग्राफ्टिंग से ज्यादा एडवांस क्या हो गया बताओ, बडिंग, कौन हो गया बताओ। बडिंग और ग्राफ्टिंग में बेसिक अंतर क्या है, सर ग्राफ्टिंग में पूरी सियोन चेंज करते हैं, पर इसमें क्या है, सियोन की जगह केवल क्या लेते हैं, छोटकी सी कली, क्या लेते हैं, एक इमेज के द्वारा आपको समझाता हूं तो शायद समझ सकते हो। देखो इस प्लांट से समझो, इसका ऊपर का भाग लेना है, इसका नीचे का भाग लेना है, तो इन दोनों का सियोन कहां से लिया है बताओ, इधर से, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये कैसा प्लांट बना, ग्राफ्टेड प्लांट, कैसा बना है, ग्राफ्टेड प्लांट। दूसरा और हम चर्चा करते हैं, अभी तो इसकी चर्चा करेंगे अटैच और डिटैच का थोड़ा सा, एक लास्ट पॉइंट बडिंग समझ लेते हैं। बडिंग में केवल क्या डाला हूं, देखो कली, केवल तना पे क्या डाल दिया है, तो ये पूरी तना टूटेंगे नहीं, नहीं टूटेगा ना, तो ये एडवांस मेथड हो गया, किससे, ग्राफ्टिंग से अच्छा कौन हो गया, बडिंग, कौन हो गया, बडिंग। चलो भाई अब बस केवल उदाहरण है, उदाहरण अपन याद करते चलते हैं, फटाफट करता हूं। दो तरह के ग्राफ्टिंग होते हैं, अब आप समझते जाओ, कितने तरह के ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे, टू टाइप ग्राफ्टिंग, कितने तरह के मेरे दोस्त, दो तरह के, कौन कौन, एक का नाम है अटैच, अटैच, और दूसरे का नाम है डीटैच। अटैच का मतलब होता है ना जोड़ देना, जैसे देखो यह एक प्लांट है और इसको आपस में इसके साथ तब तक जोड़ के रखेंगे जब तक ये दोनों जुड़ नहीं जाए। पहले गांव में ऐसा ही करते थे, जब तू लोग जन्म भी नहीं लिया होगा, कैसा ग्राफ्टिंग का बोलेगा, ग्राफ्टिंग का सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले आया था बीज, आम में बात करें तो उसके बाद आया था इनार्चिंग, कौन सा है, इनार्चिंग, यानी पहले के वैज्ञानिक क्या करते थे, इनार्चिंग। इनार्चिंग का मतलब एक आम का पेड़, देखो होगा इमेज ये है, ये कैसा है, इनार्चिंग। इनार्चिंग का मतलब दो प्लांट को तब तक जोड़ के रखते हैं जब तक ये पूरी तरह से क्या नहीं हो जाए, जुड़ जाए, तो इसको कैसा ग्राफ्टिंग बोलोगे, अटैच, कैसा ग्राफ्टिंग। और डिटैच का मतलब क्या होता है, ऊपर अलग नीचे अलग दोनों को ला के जोड़ूंगा, तो ये कैसा है, डिटैच। अटैच का मतलब दोनों पूरी पूरी प्लांट को जोड़ के रखना, इसको क्या बोलते हैं, अटैच। डिटैच का मतलब बताओ, सियोन अलग, रूट स्टॉक अलग, अब लाके जोड़ रहा हूं तो वो क्या कहलाया, डीटैच, अटैच नहीं है, कैसा है, डीटैच। तो दो तरह के ग्राफ्टिंग होते हैं, एक का नाम अटैच, और अटैच का उदाहरण कौन है, इनार्चिंग, कौन है बताओ। और आजकल इनार्चिंग सब में नहीं करते हैं, चीकू में केवल करते हैं, किसमें करते हैं बताओ, तो याद रखोगे चीकू में कौन सा विधि अपनाते हैं, इनार्चिंग। आम का सबसे पुराना ग्राफ्टिंग मेथड कौन है, पुराना, तो ये कौन है, इनार्चिंग। जानते हो ये क्या होता था, मान लो ये बड़ा आम का पेड़ है और दूसरा ये छोटा, तो सबसे पहले तो ये मान लिया जाए बड़का आम है ये छोटका, तो एक नीचे टेबल लगाता था गांव में, ऐसे टेबल लगा और इस पे गमला रखते थे, और गमला में क्या रख रहे हो, आम,
और ये बड़ का पेड़ इधर, इसको जोड़ के। रात को गमला ही गायब हो गया, ये बेचारा टेबल गायब हो गया, तो ये पेड़ ऐसे झूलते रहते थे। तो गांव में ये सक्सेस नहीं है, गाय वो ऐसे चरने के लिए आता था, वो टेबल को ऐसे गिरा देते थे, वो बेचारा टच वाले ऐसे हिलते रहते थे घंटी की तरह। तो ये ज्यादा संभव नहीं है। तो ध्यान रखोगे अटैच किस में होते हैं बताओ, चीकू में। अब हम कौन सी ग्राफ्टिंग की चर्चा करेंगे दोस्त, किसकी? डिटैच। डिटैच का मतलब क्या हो जाना? अलग। तो बताओ ये ऊपर वाले भाग, अब क्या कहोगे इसको? सियोन। क्या कहेंगे? और नीचे वाले भाग क्या कहलाएगा? रूट स्टॉक। क्या कहलाएगा? अच्छा बताओ, अब ऐसा ही कट लगाएंगे जो इसमें समा जाए, ताकि बांधना भी तो है तुझे, अब इसको ऐसे करके बांध देंगे। तो ये है वीनियर। वीनियर का मतलब शेप देखना, कैसा बन रहा है? वी आकार का। कैसा बन रहा है? वी आकार का अगर शेप बने तो इसको कौन सी ग्राफ्टिंग बोलोगे? वीनियर। और ये कॉमर्शियल व्यवसायिक विधि है किसका? आम का। किसका है? तो वीनियर में क्या याद रखेंगे? केवल आम। बताओ इन आर्चिंग में कौन सा याद रखोगे? चीकू। और वीनियर में कौन सा याद रखेंगे? आम। अच्छा सर, अगर आम का प्रश्न बने कि आम में प्रवर्धन करते हैं, देखो गलती कहां, आम में प्रवर्धन करते हैं सीड के द्वारा, इन आर्चिंग के द्वारा, वीनियर ग्राफ्टिंग, इपिकोटाइल। कौन सी है? इपिकोटाइल। अभी आप सुनोगे और आ जाए सभी, तो क्या टिक करेंगे? अधिकांशतः लड़का रटे रटाए गधेड़े ये टिक कर देगा, वीनियर। वीनियर कौन सा मेथड है बताओ? कॉमर्शियल मेथड है। कैसा मेथड है? कॉमर्शियल का मतलब होता है कि देश में सक्सेस रेट किस में ज्यादा है। जैसे 100 हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो जरूरी नहीं 100 के 100 सफल हो जाए। सफल कितने होते हैं? 70-75। ये तो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट कौन सी ग्राफ्टिंग में है बताओ? वीनियर। कम लागत में सबसे ज्यादा आमदनी किस में होते हैं? वीनियर। इसीलिए इसको कहते हैं कॉमर्शियल मेथड, व्यावसायिक विधि। हिंदी में कौन सा विधि कहोगे? व्यावसायिक। तो आगे बढ़ जाए तो अगर कॉमर्शियल मेथड पूछेगा तो कौन सा टिक करोगे? वीनियर। अगर आ जाए आम में कौन सा ग्राफ्टिंग करते हैं तो कौन आ जाएगा? सभी। इपिकोटाइल करते हैं शुष्क प्रदेश में। कौन सा प्रदेश में? क्या होता है जरा समझ लेते हैं। अब चलो ये आ गया टंग ग्राफ्टिंग। कौन सा ग्राफ्टिंग है? टंग का मतलब क्या होता है? जिभा। टंग का मतलब जिभा के जैसा, तो ये क्या है? टंग। और ये होते हैं टेम्परेट फ्रूट में। किस में करते हैं बताओ? टेम्परेट फ्रूट में। कैसा ग्राफ्टिंग करोगे? टेम्परेट का मतलब गुरुजी शीतोष्ण फल। कैसा फल है? शीतोष्ण, जिसमें आता है सेब, और कौन आ गए? नाशपाती, और कौन आ गया? आडू, और कौन आ गया? आलू बुखारा, और कौन आ गया? चेरी, और कौन आ गया? चेरी। और सबसे ज्यादा ग्राफ्टिंग जो होता है वो भी किस में होते हैं बताओ? टेम्परेट वाले। किस में होंगे? टेम्परेट, ठंडे। और इसका समय कब होगा? तो ये होंगे दिसंबर और जनवरी। बताओ तो इन सब की कब टाइम होते हैं? दिसंबर और जनवरी, क्योंकि इसको ठंडा ज्यादा पसंद है। तो सेब, नाशपाती, आडू, आडू को बोलते हो पीच, क्या बोलते हैं? और आलू बुखारा को क्या बोलते हो? पलम। और ये क्या है? चेरी। ये क्या है? चेरी। यही टेम्परेट फ्रूट में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है जम्मू एंड कश्मीर में। ये पूछ लेते हैं केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो बताओ टंग ग्राफ्टिंग किसके लिए करते हो? टेम्परेट फ्रूट। कौन कौन है? सेब, नाशपाती, आडू, आलू बुखारा, इन सब में कौन सी ग्राफ्टिंग करते हैं? टंग। अब तीनों रिवीजन बताओ, इन आर्चिंग चीकू में, वीनियर ग्राफ्टिंग आम में, टंग ग्राफ्टिंग टेम्परेट में। टंग, टंग याद रखोगे? टंग टेम्परेट, टंग टेम्परेट। इंग्लिश अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश। टंग वाले किसमें है? टेम्परेट। टंग वाले किसमें है? टेम्परेट। टंग वाले किसमें है? टेम्परेट। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनते हैं, टंग टेम्परेट, टेम्परेट। और इसकी टाइम कब है? दिसंबर से जनवरी। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इपिकोटाइल। कोटाइल किसे कहते हैं? आम के अंदर जो गुठली है ना, इसको हम बोलते हैं स्टोन। क्या बोलते हो बताओ? अब ये स्टोन धीरे धीरे जब जर्मिनेट होंगे तो ये बनेगा, एक छोटा बच्चा है नन्हा। कितने दिन का है बताओ? अभी 15-20 दिन का बच्चा है। ऐसे ऐसे देखा होगा गांव में, देखा होगा वर्षा के ऋतु में।
तो ये ना ये अपने बोलता है पूर्वजों से कि देख हमें भी पीढ़ी को बढ़ाना है, और पीढ़ी बढ़ाने के लिए ना आम के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए 24 से 28, कितनी होनी चाहिए समझना वैज्ञानिक क्या करते हैं। अब ये वर्षा ऋतु है, अभी आम देखा एक महीने के बाद आने लगेंगे, आएंगे ना तो इसमें ये छोटे छोटे जो बीज हैं इसकी वैलिडिटी पूछ लेगा। आम के गुठली की आयु कितनी होती है, गुठली के आयु 30 दिन होते हैं, कितने दिन, ये ज्यादा ज्यादा 4 सप्ताह, ये पूछा हुआ प्रश्न है, कितने सप्ताह। तो मान लिया जाए आम आपके जून में आ गए तो जुलाई तक ये जीवित रह सकता है बेचारा, उसके बाद इसकी वायबिलिटी अंदर की क्षमता जो है वो मर जाएगा, अंदर की क्षमता क्या हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि आम तो बहुत चूस के आप फेंक देते हो, लेकिन उससे प्लांट कितना बनता है, बहुत कम बनते हैं ना, क्योंकि उसके महीने के बाद उसकी जीवन क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब ये एक 30 दिन के अंदर ये जो प्लांट बन रहे हैं जर्मिनेशन होके, ये किससे बन रहा है, कोटाइल से, किससे बन रहा है, कोटाइल, तो इसको बोलते हैं, ये क्या है बताओ, कोटाइल, ये क्या है, कोटाइल, इसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दो, यानी बच्चे के ऊपर ही ग्राफ्टिंग कर दे, ये 15-20 दिन का बच्चा है ना, इसी के ऊपर ऐसा जुल्म कर दिया, लाओ 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 ग्राफ्टिंग कर दो। अब इसको ग्राफ्टिंग कर दिया तो ये कहां करते हैं, गर्म प्रदेश में, क्यों करते हैं, क्योंकि यहां गर्मी बढ़ेंगे बढ़ेंगे ना, और गर्मी बढ़ेगा तो इसकी अंदर की ताकत क्या हो जाएगी, खत्म, और अंदर की ताकत खत्म हो जाएगा फिर कोई मतलब बनेगा नहीं, इसीलिए इसी पे ग्राफ्टिंग करके ग्रीन हाउस में रख देते हैं, कहां रख देते हैं, और ग्रीन हाउस में एसी उसी ऑन कर देते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस क्या है, आर्टिफिशियल मीडिया है, ये ग्रीन हाउस मान ले, अब इसमें 2 AC लगा दूं तो टेम्परेचर हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो अब इसको कहां लाके रख देगा, पोलोथीन आर में बताओ, ग्रीन हाउस। ये बोलेगा अरे यार जान बच लो, जान बच लो, नहीं तो राजस्थान में मर जाते, किसके कारण, गर्मी के कारण। तो बताओ एपिकोटाइल को ही हम कहते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग, कोई समस्या आपको, एपिकोटाइल को हम कौन सी ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग। कहां करते हैं, शुष्क प्रदेश में, कहां करते हैं बताओ, शुष्क, या इसी को क्या बोलते हो, एरिड रीजन में, कहां करेंगे बताओ, एरिड रीजन। चलो आगे भाई, अब आते हैं सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, क्या है, सॉफ्ट वुड, इसको बोलते हैं इन सीटू ग्राफ्टिंग। देखो इन सीटू और एक सीटू क्या होता है, इन सीटू का मतलब जहां पे प्लांट है ना वहीं पे ग्राफ्टिंग, इनका मतलब होता है नेचुरल हैबिटेट, इनका मतलब क्या होता है, विद इन नेचुरल हैबिटेट, यानी जहां वो प्लांट है वहीं पे करना क्या कहलाएगा, इन, और एक्स का मतलब बाहर से लाके करना, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स। दो तरह के कंजर्वेशन भी आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी में, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब नेशनल पार्क, जो जहां शेर चीता है ना वहीं सरकार घेरा बना देता, अरे भाई इधर नहीं आना, घेरा लगाओ इसको, तो नेशनल पार्क बना दिया, क्या बना दिया। लेकिन चिड़ियाघर जो है, तो चिड़ियाघर, इसको चिड़ियाघर बनाऊं और रोज एक शेर ले आऊं, एक भालू ले आऊं उधर से पकड़ के, एक चीता ले आ रहा हूं, तो संरक्षण कर रहा हूं, लेकिन किसका कर रहा हूं, बाहर वाले जीव जंतु का, तो ये कैसा कहलाएगा, एक सीटू। इन सीटू किसे कहोगे, यही पे मक्का है, बरगद है, सब पेड़ है, और इसको बाउंड्री बना दो कि नहीं नहीं इसको संरक्षित करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन सीटू। क्या बोलते हो, नेशनल पार्क किसका उदाहरण है, इन सीटू। जीन बैंक किसका है, ब्लड बैंक, जीन बैंक, एक सीटू। मक्का का बीज कहीं और बीकानेर में होगा, विलुप्त होने वाला है, उसको लाके आरसीए कॉलेज में क्या कर दिया, संरक्षित, तो बाहर से लाके कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एक सीटू। क्योंकि हर जगह जीन बैंक होते नहीं है, हर जगह उतनी सुविधाएं नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, एक सीटू। समझ में आ गया, तो ये कौन ऐसा ग्राफ्टिंग है जो इन सीटू का उदाहरण है, अरे फटाफट आंसर कौन सा, एक बार समय लगेगा पर आप यकीन करो जीवन भर आपको प्रोपगेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पढ़ने, और ना ऐसा जीवन में मिलेगा, तो जीवन जियोगे ना, बाद में फोन करना। बताओ कौन ऐसा ग्राफ्टिंग मेथड है जिसको इन सीटू कहते हैं, सॉफ्ट वुड। कौन ऐसा ग्राफ्टिंग है, डिटैच, डिटैच, डिटैच का गधे मारू, डिटैच जान के पूछा, अटैच का है ना, इन आर्चिंग किसका है, अटैच, दोनों प्लांट जुड़ा हुआ किसमें है, इन आर्चिंग में। डिटैच का तो बहुत सारे है, कौन है, वीनियर है, टंग है, एपिकोटाइल, सब किसका है, डिटैच का। तो चलो आगे बढ़ते हैं, डबल वर्किंग किसे कहते हैं, दो बार ग्राफ्टिंग। देखो एक बार तो हमने कर दिया एक प्लांट का,
दूसरा ये प्लांट है, इसको एक बार और कर दो, तो कितनी बार हो गई? डबल। और ना तुम कुछ मत याद रखना, ये याद रखना जो बड़े एग्जाम देते हो ना, बैंक उंग में खूब आता है क्वींस रूट स्टॉक, क्वींस। और ये जानते हो कैसा है? पियर के जैसा, नाशपाती के जैसा। कैसा है बताओ? पियर के जैसा। ध्यान रखोगे या तो पूछेगा नाशपाती में कौन रूट स्टॉक यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना क्वींस, क्वींस। आज पूछे क्वींस का जलवायु कैसा होता है, तो भी आप आंसर दोगे टेम्परेट। कैसा दोगे? टेम्परेट। ये क्वींस लिख लेना, टेम्परेट, पियर के जैसा, नाशपाती के जैसा, ताकि आप रिलेट कर सकते हो, एक दूसरे को जोड़ सकते हो। चले आगे बढ़े। सबको शिक्षा सर एप्लीकेशन पे मैसेज का जवाब नहीं मिलता, रे कौन दे जवाब रे, टाइम किसके पास। टॉप वर्किंग, टॉप वर्किंग का मतलब, टॉप वर्किंग किसमें करते हैं? टॉप वर्किंग करते हैं उस पौधे में जो ना फलन नहीं दे सकते, बूढ़ा हो गया, तो उसमें टॉप वर्किंग। देखो ये सब काट देते हैं, इसको कहीं कहीं हेडिंग बैक भी कहते हैं। हेडिंग बैक का मतलब गर्दन ही अलग कर देना। अब धीरे धीरे इससे प्लांट बनेंगे, नए प्लांट। तो ये होते हैं टॉप वर्किंग, आम में करते हैं। किसमें करते हैं? आम में। अगला बडिंग, बडिंग समझ गया। बडिंग में सियोन की जगह केवल क्या यूज करेंगे बताओ, क्या है बडिंग में? अब बडिंग में कौन है? ये बडिंग देख लो, कली है, यही काटेंगे, केवल कली काटेंगे। अब कली का जैसा शेप होगा उस तरह से। टी बडिंग का नाम है सील्ड बडिंग। क्या कहते हैं? सील्ड। ऐसा टी वाले शेप, कैसा शेप का बनाया है? टी। और इसको कहां डाल देगा? यहां पे डाल देगा। तो कौन सी बडिंग हो गया? टी। ये किस किस में करते हैं? तो ये करते हैं बताओ किस में? संतरा में होता है टी बडिंग। और किस में है बताओ? मौसमी में है, स्वीट ऑरेंज। और किस में है? गुलाब में। इन तीन में तो अपने को याद रखना है कौन सा, टी। और एक और करते हैं किसमें? बेर में। बेर में दोनों ऑप्शन आ जाए, टी और रिंग। कौन आ गया? टी और रिंग। और ऑप्शन है बोथ, तो क्या टिक करोगे? बोथ। लेकिन आ जाए टी बडिंग, रिंग बडिंग, चिप बडिंग, ऐसे आ जाए पैच बडिंग, ऐसे चार ऑप्शन आ जाए, तो टिक क्या करेंगे? रिंग। कॉमर्शियल मेथड कौन है बताओ बेर का? रिंग बडिंग। कौन है? रिंग। तो ये ध्यान रखोगे। पैच बडिंग, इस तरह के बड लेना है, केवल इमेज देखो और कुछ नहीं है। तो पैच बडिंग किसमें करते हैं बताओ? आंवला में। किसमें होता है? आंवला में। नेक्स्ट पॉइंट है रिंग बडिंग। देखो ये बड कैसा लेंगे? रिंग के जैसा। तो ये होता है किसमें? बेर में। किसमें करते हैं बताओ? बेर में। अगला पॉइंट है अपना चिप बडिंग, इस तरह के चिप लगाते हैं, तो ये करते हैं अंगूर में। किसमें लगाते हैं बताओ? अंगूर में चिप बडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है लेयरिंग। कौन है बताओ? बडिंग के सात क्वेश्चन ही बनते हैं। टी बडिंग किसमें करते हैं? मौसमी, संतरा, गुलाब। काम खत्म। अगला क्या है पॉइंट बताओ? चिप किसमें? अंगूर में। रिंग किसमें? बेर में। बेर में दोनों आए तो दोनों। कॉमर्शियल मेथड कौन है? रिंग। कौन है? रिंग। अगला पॉइंट है लेयरिंग, किसे कहते हैं लेयरिंग? देखो लेयरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है मातृ पादप पे जड़ का आरंभन। किसका आरंभन बताओ? जड़ का। किस पे करना है? मदर प्लांट में। सपोज दैट हम एक मदर प्लांट है। प्रवर्धन का मतलब क्या होता है बताओ? हमसे पांच सात प्लांट बना देना, क्या कहलाएगा? प्रवर्धन। अब हम प्लांट है, ये शाखा है, और मेरे पे ही जड़ आ जाए, जड़ आ जाए। मदर प्लांट पे ही क्या आ रहा है बताओ? जड़। तो इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। अगर हवा में आ गया जड़ तो हवाई गुटी, यानी एयर लेयरिंग। क्या कहलाएगा वो? एयर लेयरिंग। और हवा में नहीं आया तो वो, देखो ये सारे जो प्लांट है इसमें जड़ कहां आ रहे हैं? ये तो एक स्टूलिंग है। स्टूलिंग समझो क्या है, आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, किस में करते हैं? अमरूद में। और ये अमरूद है मान लिया जाए, तो इसको जमीन से ना 15 से 20 सेंटीमीटर तक काट लेते हैं, पूरी को क्या कर देंगे बताओ? काट दोगे ऐसे। तो धीरे धीरे इससे बहुत सारे ऐसे प्लांट निकलेंगे, स्टूल। इसको क्या बोलते हैं? स्टूलिंग। अरे जो अमरूद खराब है ना गांव में करना, उसको जमीन से इस पेन की ऊंचाई तक काट देना, पूरा पेड़ ही काट देना, पापा जान मार देंगे, बोलेंगे बड़ा तू पढ़ करके आया, ऐसे किया हूं। जब काटोगे तो क्या होगा, इस अमरूद के बगल से छोटे छोटे आएंगे स्टूल। जब काट दोगे ना, यहां से काट दिया, तो अब क्या निकलेंगे भाई? पोषक तत्व ऊपर तो जाएगा, लेकिन ऊपर तो कटा हुआ भाग है, तो ये छोटका छोटका अमरूद निकलेगा, छोटकी निया अमरूद है इससे इससे। अब क्या फायदा है बताओ? ये 50 निकल जाएंगे,
छोटे छोटे अमरूद, तो एक तो सबको मिट्टी से निकाल निकाल के नए नए खेत में लगा दिया ऐसे ऐसे, तो 50 नया प्लांट बन गया, बन गया या नहीं बना। और इसको जब छोड़ दोगे ना, तो ये जो मेन प्लांट बनेगा ये बड़ा भयानक बनेगा, इसका फल भी बड़ा आएगा और मीठा लगेगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें देखता हुआ इंसेक्ट लग रहे हैं, पंसोर लगेगा वो फल, तो उसको आप एक साल छोड़ देना, काट देना पूरी पेड़ को, तो उसको हम करते हैं स्टूलिंग। क्या बोलते हैं? स्टूलिंग। अगला पॉइंट है एयर लेयरिंग, समझा चुका हूं कल की क्लास में पूरी डिटेल। कौन सा पोलोथीन यूज करेंगे? सफेद। क्या डालते हैं? मॉस या स्फैग्नम। इम्बाइबिशन पढ़ा रहा था, अंतः चूसन, वहां पे समझा दिया पोलोथीन। ये हरा पोलो सफेद पोलोथीन यूज करते हैं ताकि इसकी जड़े को आप देख सकते हो, और 1.5 से 2 महीना में इसकी जड़ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जड़। और ये किस में करते हैं? ये इंपॉर्टेंट लीची में। प्रश्न क्या पूछेगा बताओ? लीची। एयर लेयरिंग किस में करते हैं बताओ? लीची। आजकल किस में करने लगे हैं बताओ? अनार में भी एयर लेयरिंग किस में, लेकिन ज्यादातर ये प्रश्न कौन बनेगा? लीची। टिप लेयरिंग क्या है? लेयरिंग का मतलब इसकी जड़े टच हो जाए और यहां से जड़ निकल जाए, तो इसको प्लांट को क्या करेंगे? काट देंगे, तो इसको क्या बोलोगे? टिप लेयरिंग। ये कभी नहीं आएगा, टिप फिप नहीं आते हैं। टिश्यू कल्चर हार्मोन में पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ाऊंगा? 2 हार्मोन यूज करते हैं, कौन कौन? एक का नाम है ऑक्सिन और दूसरे का नाम क्या है? ऑक्सिन किसका निर्माण? जड़ों का। और साइटोकाइनिन किसका निर्माण? सूट का। किसका निर्माण? सूट का। पूछेगा कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? ऑक्सिन और कौन है? साइटोकाइनिन। टिश्यू कल्चर का मतलब इन छोटे से भाग में एक प्लांट का बन जाना क्या कहला रहा है बताओ? टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है? और ये जो प्लांट बाहर से लाते हैं इसका नाम क्या है? एक्स प्लांट। क्या कहते हो इसको? एक्स प्लांट। धीरे धीरे ये एक्स प्लांट ऐसे ऐसे ग्रोथ करेगा, इसका क्या नाम होगा? कैलस। क्या नाम है बताओ? ये छोटकिनिया जो भाग बाहर वाले प्लांट से लाए थे, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, इसको क्या बोलोगे? एक्स। एक्स प्लांट कहां डाला जाता है? न्यूट्रिएंट्स में। ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स, ट्यूब में। अब ये अपना विभाजन करके क्या बनाएगा? कैलक्स। अगर कैलक्स में देखो, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है तो ऊपर वाले भाग जल्दी बन जाएंगे, और अगर ऑक्सिन ज्यादा है तो नीचे वाले भाग क्या होंगे? जल्दी बन जाएंगे। फिर से बताओ, अगर ऑक्सिन इसमें ज्यादा है, कौन ज्यादा है? ऑक्सिन, तो कैलस में ज्यादा वृद्धि किसका होगा? नीचे वाले। और अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है तो कौन सी भाग बढ़ेगा? ये। केवल अभी इतना ही ध्यान रखो, टिश्यू कल्चर सबसे आधुनिक विधि है, प्रोपगेशन की क्या है? सबसे मॉडर्न विधि। इसमें टाइम क्या लगता है बताओ? कम। स्पेस क्या लगता है? स्पेस इसमें क्या लगता है? कम। स्पेस भी क्या लगता है? कम। और अति यानी कम समय में ज्यादा प्लांट लगा सकते हैं हम किसमें? टिश्यू कल्चर। किसमें करते हैं आजकल? ये होता है स्ट्रॉबेरी। किसमें है? स्ट्रॉबेरी। और किसमें किया जा रहा है? केला में। आजकल ये किसमें करते हैं? आलू में। सबसे ज्यादा टिश्यू कल्चर का लैब कहाँ है? तमिलनाडु में। यानी साउथ इंडिया बहुत डेवलप है किसके लिए? टिश्यू कल्चर के लिए। कर्नाटका, तमिलनाडु, इधर टिश्यू कल्चर होते हैं। 2 फसल क्या याद रखोगे? स्ट्रॉबेरी और केला। आजकल किसमें कर रहे हैं? आलू में। किसमें कर रहे हैं? आलू में। ध्यान रखेगा। चलो बाकी ये करेंगे किसमें हम? बस एक लाइन और है, वो भी करा देता हूं तुझे, कि ये लगे एक चैप्टर तो खत्म किया, नहीं तो रोज ऐसे ही तुम झूलते रहना। देखो ये हवाई एयर लेयरिंग का ये भी इमेज है, समझ में आ रहा है? इस तरह से छाल हटा देते हैं, इस तरह से क्या हटा देते हैं? यहां से छाल। उसके बाद क्या डालते हैं? देखो मॉस घास, ये मॉस और सफेद पोलोथीन का उपयोग। हवा में जल लगा निकल जाएगा तो उसको एयर लेयरिंग, और इसी का नाम गुटी भी है। क्या कहते हैं? गुटी दाब। क्या बोलते हैं इसको? पूछा हुआ कौन सा घास का यूज करते हैं? स्फैग्नम। और ये किस विधि पे कार्य करता है? अंतः चूसन। कौन सा चूसन है? सबसे ज्यादा अंतः चूसन आपको बता चुका हूं किसमें? अगर अगर। किसका? उसके बाद पेक्टिन, उसके बाद सेलुलोज, उसके बाद कौन सा है? तो ये किस पे कार्य कर रहा है? अंतः चूषण पे। किस पे कार्य करता है? अंतः चूषण। चलो भाई ये आपका है क्या? एक क्या प्रश्न बनते हैं? स्टूलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। लीची, अमरूद, हाँ एयर लेयरिंग और किसमें है बताओ? अमरूद का अगर मेथड आ जाए, अमरूद का 2-3 विधि पढ़ा देता हूं, अमरूद से भी प्रश्न बनते हैं, कहीं ये छूट ना जाए। अमरूद में देखो अगर पूछा जाए,
कॉमर्शियल मेथड कौन है? तो कॉमर्शियल मेथड तो आप बोलोगे गुरुजी स्टूलिंग कौन है, लेकिन पूछा जाए अमरूद में एयर लेयरिंग करते हैं या नहीं, तो बिल्कुल करते हैं, कॉलेज उलेज में तो हम लोग ने खूब किया, क्या करोगे एयर लेयरिंग। अच्छा अब अगला प्रश्न पूछेगा मीडो और चेडिंग, ये पढ़ाऊंगा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। मीडो और चेडिंग किससे ऑर्चार्ड, ओ आर सी एच सी एच ए आर डी और चेडिंग और देखो एक तो होता है ना हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अब यहां पे ना मैक्सिमम लड़के 100 बैठ सकते हैं और मैं 250 बिठा दूं, ये लड़कियों लड़कियों को बोलूं नहीं नहीं थोड़ा सा एकदम और खिसक चिपका चिपक, जहां एक पे 10 है मैं बोलूं 15 बिठाऊंगा कल से, तो क्या कर दिया हाई डेंसिटी। तो ये तो होते हैं हाई डेंसिटी, लेकिन 15 की जगह 50 बिठा दूं, चाहे माथे पे बिठा दूं एक को, ले एक लड़की एक माथे पे फिर एक गोद में ऐसे ऐसे करके, तो वो होता है मीडो ऑर्चर्डिंग, यानी बहुत सघन कर देना। क्या कर देना, बहुत ज्यादा सघन। तीन प्रश्न ही बनते हैं, बताओ ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, कहां से, बहुत अच्छा तेज तो तुम लोग खूब हो, कहां से आया इजराइल, ड्रिप इरिगेशन ये सब भी कहां से आया, इसका मतलब इजराइल बहुत एडवांस कंट्री है, बहुत ज्यादा छोटी सी देश है पर इतने तकनीक है, वहां लोग सोते कम है, वहां क्या होता है यहां जैसे हम लोग को बैंक उंक में देखा होगा टीचर उचर में अगर तेरे तनख्वाह बढ़ाना होगा पापा उपा तो वो क्या करते हैं स्ट्राइक, सब टीचर स्ट्राइक कर देगा, नहीं जी वो पढ़वेल पढ़ाने ही नहीं आता है, स्कूल में नहीं जाएंगे पढ़ाने कि ना स्ट्राइक तनख्वाह बढ़ाओ। आप देखो चाइना कोरिया जापान इजराइल यही सब देश सबसे आगे हैं, वो ना ऐसे स्ट्राइक नहीं करते हैं पागलों जैसा, हमारे देश में ना पूर्वजों की मस्तिष्क ही खराब है तो इसलिए हम ऐसे ही। अब और गवर्नमेंट पागल वाले काम किया, 7 दिन में 5 दिन ड्यूटी करना, कितने दिन 5 दिन, शुक्रवार तक शनिवार रविवार छुट्टी, तो आदमी ना शुक्रवार को भी नहीं जाते हैं, सोचते हैं गुरुवार से ही छुट्टी है, और एक दिन क्या सोचते हैं संडे के बाद कौन आएगा चेक करने, मंडे भर आराम कर लेता हूं, तो केवल वो कहां जाते हैं बताओ ट्यूजडे और वेडनेसडे, और बीच में इतने भारत में पर्व आते हैं इतने तरह के पर्व, 165 दिन पर्व है, 365 में सरकारी छुट्टी है कितने 165, सप्ताह में जाना कितने है 3 दिन, उसमें भी छुट्टी, मस्त है रे देश, कहीं कोई काम नहीं है, नौकरी लगने तक देरी, एक बार लग गया काम समाप्त, और तू ही बोलोगे अरे यार कुछ नहीं करना पड़ता है, तो देश कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ, बढ़ेंगे हम युवा ही तो काम करेंगे तो बढ़ेगा। वहां जापान उपान इजराइल आर में क्या होते हैं ना, वहां का सरकार को मनाने के लिए 12-8 घंटा देखो हमारे देश में कार्य होते हैं, आप अखबार पढ़ो लोग यहां हमारे यहां एवरेज 6-5 घंटा काम करते हैं बाबू लोग, आधा घंटा चाय का है 1.5 घंटा खाना का है, 10 बजे तो जाएंगे बैंक उंक में देख ले SBI आर में, हम तो जब जाते हैं तो किस पे है लंच पे, अरे भाई लंच तो हम क्या है गरीब आदमी ना 2 बजे के बाद जाना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको अगर 20 बार घुमा दिया जाए कोई काम के लिए तो तुम 2 बजे के बाद जाओगे ही नहीं, कि क्या पता यार बैंक बंद रहे, और 20 किलोमीटर से हम गांव वाले लोग आते हैं साइकिल चला के बाइक चला के इस उम्मीद से कि काम हो जाए, तो 2 बजे के बाद बैंक में ऐसे ही भीड़ नहीं होते कोई नहीं जाता है, तो बताओ ये केवल कितना देर काम कर रहा है 10 से 2, हर जगह ऐसा ही है देश में, चल रहे हैं भाई काम। इजराइल उजराइल बोलता है नहीं 8 घंटा नहीं, सरकार को मनाना है तो 12 घंटा करो काम, 12 घंटा सरकार नहीं माना तो 14 घंटा करते, अच्छा 14 में भी नहीं माना 16 घंटा 18 घंटे तक लोग, इजराइल एक ऐसी देश है जहां 22 घंटा तक मजदूर ने 6 महीने लगातार काम किया, कितने सोता ही नहीं था, शिफ्ट बना दिया 22 घंटा हम करेंगे मेरे बाद तुम, सरकार खुश हो जाता अरे यार मेरे तो अलग आदमी है, तनख्वाह बढ़ाओ तनख्वाह बढ़ाओ, हमारे यहाँ नहीं जाएंगे काम महीना भर नहीं जाएंगे लोभ है, ऐसे ना कर्मचारियों को एक बार मोदी जी को चाहिए नहीं जाओगे कल से तेरी समाप्त छुट्टी, नए बहाली करो, पुराने डोकरे को इतने बड़े पेट हो जाते हैं 3 लाख रुपया देते हैं काम तो कुछ करना नहीं है, हम युवा बेचारा 30,000 के लिए मर रहे हैं और उससे 10 गुना अच्छा काम भी करें करें या नहीं, तो देश में क्या चाहिए जहां 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह हो रोक दो हटाओ काम खत्म, नए बहाली करो, नए बहाली में युवाओं को रोजगार मिल जाए, जो जितना पुराना होता जाएगा समझो अपने लिए कोई काम का नहीं है, पुराने पुराने लोग अपने लिए कोई काम का नहीं, युवा देखो अभी तरस रहा है 15-15 हजार की नौकरी के लिए मर रहे हैं और लोग 2.5-2.5 लाख लेके कुछ नहीं करते हैं, तो ये थोड़ी सी सुधार। मीडो ऑर्चर्डिंग का मतलब क्या समझा, इजराइल से आया, किस फसल के संबंधित है तो टिक करोगे अमरूद, इसकी दूरी कितना रखते हैं
2:2। कौन ऐसा फसल है जो सबसे सघन लगाया जाता है? ऑप्शन बताना, कौन ऐसा फसल है हॉर्टिकल्चर में जो सबसे सघन लगाया जाता है? फल है, फल ध्यान रखना, हर बार गधे पपीता ने अनानास, कौन सा है? पाइनएप्पल, शॉर्ट डे प्लांट है भाई साहब। कैसा है पाइनएप्पल? शॉर्ट डे प्लांट, ध्यान रखोगे पाइनएप्पल, ये इंपॉर्टेंट है पाइनएप्पल। चले आगे बढ़े, चलो भाई थोड़ा सा पॉइंट, 5 मिनट बचा है, ये भी निपटा देता हूं। अलैंगिक विधि देख लेते हैं एक बार। रनर्स किसके लिए करते हैं? स्ट्रॉबेरी, ये ऐसे जो दौड़ रहा है ना इसको बोलते हैं रनर्स, ऐसे ऐसे वाला, ये क्या है? रनर्स, रनर्स ध्यान रखोगे। स्ट्रॉबेरी का फल प्रकार बताना। देखो ये स्ट्रॉबेरी में ना ऐसे ऐसे जो होते हैं ये वाले, इसको एकिन्स कहते हैं। क्या बोलते हो बताओ? एकिन्स किस में पाया जाता है? स्ट्रॉबेरी में। तो इसे कहते हैं, देखो बहुत सारे एकिन्स, शायद फल प्रकार में आपको एग्रीगेट छोड़ दिया था, छोड़ दिया ना, बहुत सारे फल जब एक ही फल में जुड़ते हैं ना तो ये निर्माण करता है एक पुंज का, किसका निर्माण करता है? और अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं एग्रीगेट। क्या बोलते हैं? या इसका नया शब्द देते हैं इटारियो। तो इंग्लिश में जहां इटारियो लग जाए तो इसका मतलब, इटारियो का मतलब क्या होता है? पुंज। तो इटारियो लग जाए तो ये है किस फल का उदाहरण? एग्रीगेट का है। किसका है? एग्रीगेट। और एग्रीगेट में क्या क्या पढ़ोगे? एक तो स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी में देखो ये स्ट्रॉबेरी, इसके अंदर मैंने क्या बोला? एकिन्स होंगे। क्या होगा ऐसा ऐसा? एकिन्स। दूसरा आएगा इटारियो ऑफ ड्रूप, लिखा होगा, पढ़ लेना आप, इटारियो ऑफ ड्रूप। तो इसका उदाहरण होता है ब्लैकबेरी, कौन सा है? ब्लैकबेरी। और एक और आएगा इटारियो ऑफ बेरीज, बेरीज, तो बेरीज कस्टर्ड एप्पल, सीताफल जिसे बोलते हो, देखा होगा सीताफल ऐसे और ये ऐसे ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, तो सीताफल, सीताफल किसका उदाहरण है बताओ? इटारियो ऑफ बेरीज सीताफल। इटारियो ऑफ ड्रूप जामुन में, तो याद रहेगा गुठली किसमें है? जामुन, ब्लैकबेरी में। और एकिन्स किसमें पाया जाता है? स्ट्रॉबेरी में। किसमें पाया जाता है? तो ऐसे याद हो जाएंगे, एकिन्स किसमें पाए जाते हैं? स्ट्रॉबेरी में। जामुन में क्या होगा? गुठली। तो बहुत सारे जामुन को क्या बोलोगे? पुंज, इटारियो। तो इटारियो ऑफ ड्रूप किसमें हो गया? ब्लैकबेरी। एकिन्स किसमें है? स्ट्रॉबेरी में। और बेरीज किसमें है बताओ? सीताफल में। किसमें है? सीता। तो ये स्ट्रॉबेरी में कौन होता है? रनर्स। कौन है? रनर्स। अब हम एक बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट आपको, तो उधर फल प्रकार भी कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट बच गया था, कौन सा? मल्टीपल फ्रूट्स, कौन सा बच गया है? इसके दो भाग बनेंगे, कौन कौन? एक को बोलते हो सोरोसिस, क्या बोलेंगे? और दूसरे को बोलते हैं साइकोनस, क्या बोलोगे? सोरोसिस का मतलब वे फल जो खुरदरा होते हैं। कैसा होते हैं? खुरदरा। और कौन कौन होता है खुरदरा? अनानास। कौन होता है और कौन होगा? कटहल, जिसे हम बोलते हैं जैक फ्रूट। और कौन होगा बताओ? अनानास, कटहल, और कौन होगा? सहतूत। कौन होगा? इन तीनों का फल प्रकार क्या है? सोरोसिस। अगर सोरोसिस नहीं आए और आ जाए मल्टीपल फ्रूट तो क्या टिक करेंगे? मल्टीपल फ्रूट। साइकोनस का मतलब ना ऐसा फल जिसमें रोए रोए जैसा होते हैं। रोए रोए का मतलब पीपल का फल देखे हो? अरे पीपल के फल देखते होंगे तो अंदर रुई रुई के जैसा। बरगद का फल देखे हो? नहीं देखे हो कोई बात नहीं। अच्छा महुआ का देखा है फल? नहीं देखा। अंजीर देखे हो तुम लोग? गांव में पीपल उपल नहीं देखे हो? पीपल का फल। तो इसका फल कैसा होता है बताओ? ऐसे रोए रोए निकले होते होंगे, देखो ऐसे इसमें रोए। और अंजीर का पोलिनेशन किससे होता है? वास्प से। किससे होता है? WASP, वास्प। ये हो गया आपका फल प्रकार। फिर से बताओ मल्टीपल फल का दो उदाहरण कौन है? सोरोसिस और साइकोनस। सोरोसिस का मतलब ऐसा फल जो खुरदरा होते हैं और बहुत सारे फल हो, जैसे कटहल। देखे हो कटहल? कटहल देखा ही नहीं अभी? देखा है बाहर से कैसा लगते हैं वो, जैसे चप्पल पहनते हैं एक्वा प्रेशर वाला, कांटे चुभते हैं ऐसा। पाइनएप्पल देखा होगा, पाइनएप्पल कैसा है? तो ये सब कैसा है बताओ? सोरोसिस और साइकोनस, पीपल, बरगद, महुआ और अंजीर। आगे बढ़ जाए भाई, आज बहुत खींच गया। सकर्स, सकर्स किसमें होते हैं? केला में। ये केला से छुटकी जो केला निकलता है ये सब, तो इसको क्या बोलोगे आज के बाद? सकर्स।
केला उसके बगल से छोटकी केला क्या कहलाएगा? सकर्ष। सकर्ष का वजन कितना होता है? 500 से लेकर 750 ग्राम। कितने? 500 से लेकर। अगला, छोटकी खजूर को क्या कहते हैं? ऑफशूट। क्या बोलोगे? खजूर के छोटा वाले ऑफशूट, इसका कितना है? इसको बोलते हैं, अच्छा इस ऑफशूट को कहीं कहीं अंत भूस्तारी भी लिखता है। क्या लिखते हैं बताओ? अंत भूस्तारी, ध्यान रखना। अगला एस्टोलेन, ये दूब घास है। कौन है? दूब घास। दूब घास में देखता होगा, ये दूब घास, इसका छोटका यहां पे ऐसा है, ये एस्टोलेन है। तो ये है, क्या है बताओ? दूब घास। जो मजदूर आता है देखा होगा, बोलता मालिक हमने घास निकाल दिया, इसको इसको निकाल देगा, पूरा ग्राउंड लगेगा साफ। क्या नहीं निकालता है बताओ? ये क्या है? स्टोलन। ये क्या है? ये बोलता अरे अरे पागल, मेरे तो निकाला है नहीं, हमसे हम अलग नए प्लांट बन जाऊंगा। तो ये दो दिन में देखता होगा लेबर साफ करके गया, तीसरे दिन ये बोलता है मैं आ गया। तो ये वापस आ जाते हैं, दो तीन दिन में क्या आ जाते हैं? किसके द्वारा होता है प्रवर्धन बताओ? स्टोलन। स्टोलन तो इसको क्या करता है? ये नीचे वाले ऐसे खुरपी से निकालना पड़ता है, देखा होगा गांव में। तो ये स्टोलन निकालना जरूरी है। ये क्या है बताओ? ट्यूबर। तो ये आलू है, ये क्या है? इसका नोड है। क्या है ये? नोड है। ये क्या है? राइजोम। हल्दी और अदरक का किससे करते हैं? राइजोम। आलू का किससे करते हैं? ट्यूबर के द्वारा। किसके द्वारा? ट्यूबर। अच्छा ये कॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लग रहा है प्याज के जैसा, तो ये कॉर्म ऐसा होता है प्याज। और बल्ब और कॉर्म में अंतर क्या है बताओ? ये कॉर्म है, ये चिपटा होता है। देखो ये कैसा होगा? चिपटा। इसकी ग्रोथ चिपटी। और ये कैसा है? देखो ये थोड़ा सा उभार, ये ओनियन एंड गार्लिक। इसमें किसके द्वारा होता है? बल्ब। ये बाद में पढ़ाऊंगा। ये क्या है? बल्ब। ये क्या है? बल्ब। और ये क्या कहलाएगा? क्लोव। ये क्या है? क्लोव। इसको क्या बोलते हैं? कली। क्या बोलते हो? लहसन में ये छोटकी वाली जो है ये क्या है? कली। और छोटकी छोटकी मिल के क्या बनाते हैं? बड़की जो क्या है? ये बल्ब है। बड़की क्या है? ये देखो ये ग्लेडुएलस है, दिख रहा है? ऐसे प्रधानमंत्री यार को देते हैं ना ये ग्लेडुएलस, और इसमें लगाते जो है ये क्या है? कॉर्म। ये क्या है? कॉर्म, ये ग्लेडुएलस। ये स्लिप है, ये पाइन एप्पल है, दिख रहा है छोटा सा? ऐसे कर देना इसको बड़ा बड़ा। ये ऐसा है पाइन एप्पल, ये पाइन एप्पल लगे हुए हैं। तो ये ऊपर वाले भाग, इस पे ये ऐसे लगा देता हूं। ये जो भाग है ये पत्ती वाला, इसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? और इसके नीचे एक छोटी सी होती है, इसको बोलते हैं स्लिप। क्या बोलते हैं? तो देखो इसमें जो होता है सकर्स के द्वारा भी करते हैं, और किसके द्वारा है? स्लिप के द्वारा भी करते हैं, और कौन है? क्राउन के द्वारा। और आंसर आ जाए सभी तो क्या टिक करोगे? लेकिन कॉमर्शियल विधि सबसे छोटा कौन है? स्लिप। सबसे छोटा कौन है? जिसका वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम। 300 से लेकर 350 ग्राम। तो ये क्राउन देखा होगा ठेले पे, क्राउन फेंकते नहीं है, इससे नया प्लांट बन जाएगा। ये मोत जो ऊपर वाले भाग है ना, इससे नया प्लांट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? क्राउन। उसके नीचे क्या होता है? स्लिप। उसके नीचे जो ये छोटकी दिख रहा है इसको सकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्स। तो ऑप्शन सभी, तो सभी ऐसे टिक करेंगे कौन? स्लिप। ये हो गए आज की कहानी आपकी समाप्त। तो फल प्रकार समाप्त। इसमें जो बेसिक पॉइंट बचा हुआ है वो है प्लांट हार्मोन, ठीक है? बाकी इडिबल पार्ट है, बस 4-5 दिन के और है, निपटा देंगे अपन। फिर डिजीज और डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट। चले जाए भाई। पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर? पीडीएफ डालो तो सर, टेलीग्राम पे डालते कहाँ हो बेचारे? मिल जाएंगे टेलीग्राम पे विदाउट कमेंट। सर आप इतने अच्छे, एकदम मेहनत की हो, कोई फालतू बातें नहीं। हाँ कोई बुक का ऑर्डर करना है तो आप लोग ऑर्डर कर लो फ्लिपकार्ट। सर सार वाले बुक ऑर्डर किया था, लेकिन सार की जगह कोई और आ गया होगा। अच्छा वो कृषि सार आ गए होंगे एक हाँ वो डुप्लीकेट निकाले हुए कृषि सार, बिल्कुल सही है। कृषि सार नहीं लेना था आपको, एग्रीकल्चर सार लेनी है। धन्यवाद आप सभी का। कैसा लगा क्लास जरा सा बताएं आप कमेंट में।